गुड मॉर्निंग। रतन गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉलरेंस को, और स्पेसिफिकली इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से आप ये भी समझ पाएंगे कि कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज क्यों डेवलप हो जाती है। एक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स में, एबनॉर्मेलिटी में, हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं ऑटो इम्यूनिटी। जो इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारी बॉडी को जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, कभी कभी यही इम्यून सिस्टम अपने ही कंपोनेंट के अगेंस्ट में एक्टिव हो जाता है और उनका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उससे कई सारी केमिकल कॉम्प्लिकेशंस जनरेट हो जाती हैं, जिनको हम लोग डिजीज कहते हैं। ठीक है, कई सारी फेमस डिजीज हैं, जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस का आप लोगों ने नाम सुना होगा। माइस्थेनिया ग्रेविस के साथ साथ आपने कुछ और भी डिजीज, जैसे कि कौन सा, हाशिमोटो डिजीज है, SLE है, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस है। ठीक है, और भी कई सारी डिजीजेस हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे कि लोकलाइज्ड डिजीज कौन सी है और सिस्टमिक कौन सी है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहां पर क्या डिस्कस करने वाले हैं, इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। क्या हमारा इम्यून सिस्टम सभी तरह के पैथोजेंस के आने से एक्टिव हो जाता है, और क्या सभी कंडीशंस में हमेशा वो रेडी टू रिस्पॉन्स है, मतलब जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा, कोई भी सिचुएशन होगी, हमारा इम्यून सिस्टम रेडी है, ऑलरेडी जो इनेट इम्यून कंपोनेंट होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि वो एक स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन में हमेशा होते हैं और वो रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस केस को आप इस एंगल से देखें कि क्या हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो हमेशा फाइट करने के लिए तैयार है, और इसको आप ऐसा जो सिंपल तरीके समझाने की मैं कोशिश करूं कि आपको इसको अपनी मानसिकता से जोड़े, क्या वो हमेशा जो भी पार्टिकल आ रहा है जिसके अगेंस्ट में एक्टिव होने वाला है, क्या उसे डिस्ट्रॉय करेगा? यदि वो इस तरह की स्टेट में है तो फिर प्रॉब्लम भी आ सकती है। यदि वो कभी भी पहचानने में गलती कर गया सेल्फ और नॉन सेल, तब तो वो क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन शुरू कर देगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। ठीक है, तो टॉलरेंस का सिंपल हिंदी मतलब क्या हुआ, क्या करना, अच्छा बर्दाश्त कर लेना। वैसे मैंने शायद पिछली बार क्लास में बोल दिया कि हम लोग इंडिया में रहते हैं और हमारे सारे लीडर्स तो टॉलरेंस की बात करते हैं ना, यदि हम लोग टॉलरेंस ना समझ पाए तब तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा बाकी दुनिया के लिए, कि इंडिया के स्टूडेंट टॉलरेंस नहीं समझ रहे। तो चलिए, हम लोग बर्दाश्त कर लेना। क्या हमारे इम्यून सिस्टम को कुछ भी बर्दाश्त नहीं है अपने अलावा, सेल्फ के अलावा, नॉन सेल्फ बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है? ठीक है, क्या नाम देंगे, इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, सिंपली टॉलरेंस बोलते हैं, सेल्फ टॉलरेंस टर्म भी यूज करते हैं। तो जो हम टर्म यूज करते हैं सेल्फ टॉलरेंस, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सेल्फ कंपोनेंट के, सेल्फ जो एंटीजन्स हैं हमारे बॉडी के, जो मॉलिक्यूल्स हैं सेल्स हैं, उन्हें टॉलरेट करता है, ना कि फॉरेन पार्टिकल्स को टॉलरेट करता है। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजीज है, टॉलरेंस भी कहते हैं, इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस भी कहते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ टॉलरेंस। यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, सेल्फ टॉलरेंस, तो इसको मतलब थोड़ा समझना है, ये अपने कंपोनेंट को टॉलरेट करता है, अर्थात उनके अगेंस्ट में एक्टिव नहीं होगा, लेकिन यदि फॉरेन पार्टिकल्स हैं तो उनके अगेंस्ट में क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा और उन्हें इलिमिनेट करेगा। ठीक है, लेकिन क्या कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट में भी टॉलरेट करे, उनके अगेंस्ट में भी एक्टिव ना हो, तो इनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जब ऑटो इम्यूनिटी को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो उन पॉइंट पर हम लोग लेकर के आएंगे केसेस को।
तो वहां इसको रिलेट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसके डेफिनेशन पर आते हैं कि टॉलरेंस क्या है, सेल्फ टॉलरेंस किसे कहते हैं। तो ये कई सारे मैकेनिज्म हैं, प्रोसेसेस हैं, जैसे आपने टी सेल एक्टिवेशन, बी सेल एक्टिवेशन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन, एंटीजन प्रेजेंटेशन, कई सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ रखा है। तो ये जो सेल्फ टॉलरेंस है ये कोई एक सिंगल स्टेप नहीं है, मल्टीपल मैकेनिज्म, मल्टीपल लेयर ऑफ मैकेनिज्म, अर्थात एक के बाद एक के बाद एक कई सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं, ठीक है, जो ये इंश्योर करेगा कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे कंपोनेंट के अगेंस्ट में एक्टिव ना हो। उन सभी मैकेनिज्म को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सेल्फ टॉलरेंस, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूं इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आप इसे समझ जाएं कि ये कई सारे मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और उनका फंक्शन क्या है, उनका प्राइमरी एम क्या है, ये इंश्योर करना कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे कंपोनेंट के अगेंस्ट में एक्टिव ना हो, उसी को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे। अर्थात आपको कई सारे एंगल से कई सारे मैकेनिज्म को पढ़ना है, कई सारी सेल्स या साइटोकाइंस या इफेक्टर मॉलिक्यूल्स को पढ़ना है कि वो किस तरह से ये इंश्योर करते हैं कि हमारा अपना इम्यून सिस्टम सेल्फ कंपोनेंट के अगेंस्ट में एक्टिव ना हो, ठीक है। और साइंटिफिकली आज हम लोग किस तरह से इन चीजों को जानते हैं, कितना हमारे पास एविडेंस है, ठीक है, और कौन कौन सी सेल्स हैं, किस लेवल पर एक्ट करते हैं, उनके लिए प्राइमरी सिग्नल्स कौन से हैं, कैसे उनको पता चलेगा कि मुझे इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करना है या नहीं करना है, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग जानेंगे, ठीक है मनोज। द टर्म टॉलरेंस अप्लाइज टू द मैनी लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन, मैनी लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन इम्पोज्ड बाय द इम्यून सिस्टम टू प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ इट्स सेल्स एंड एंटीबॉडीज अगेंस्ट होस्ट कंपोनेंट। मल्टी लेयर्ड, कई सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। लेयर्ड का मतलब है एक के बाद एक, मतलब एक प्राइमरी लेवल का फेल होता है तो सेकेंडरी लेवल का भी हमारे पास क्या है, प्रोटेक्शन है। अर्थात तो इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप लगा सकते हैं। शुरुआती स्टेज में तो इम्यून सिस्टम में ये कोई बहुत ज्यादा पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे इसके एविडेंस मिलने लगे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसकी उसको रेगुलेट करने के लिए, वो डिस्ट्रक्टिव ना हो जाए होस्ट के लिए ही कई सारे मैकेनिज्म एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप समझ सकते हैं कि यही हम लोगों का एक एम था, या कह सकते हैं कि जो रिसर्च थी कि इम्यून सिस्टम कैसे फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट में फंक्शन करता है। लेकिन जैसे जैसे ये भी पता चला कि ऑटो इम्यून डिजीजेस भी हैं, तो क्वेश्चन अराइज हो गया कि इम्यून सिस्टम ने अपने ही कंपोनेंट पर क्यों एक्ट किया, क्यों उन्हें इलिमिनेट करना शुरू किया। तो फिर ये भी क्वेश्चन आ गया, क्या हमारे पास कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है या नहीं है। तो आप सिंपली समझ लें, ऑटो इम्यून डिजीजेस रेयर होती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज कैसी हैं, रेयर मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन में बहुत कम लोग ही इफेक्ट होते हैं, तो बहुत रेयर डिजीजेस हैं ऑटो इम्यून, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई ना कोई एक बेहतर मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है जो हमारे इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है, चेक कर रहा है कहीं वो सेल्फ कंपोनेंट के अगेंस्ट में तो नहीं है, ठीक है। उन सभी मैकेनिज्म को किसमें पढ़ रहे हैं, टॉलरेंस में। सिंपल टॉपिक है, बहुत आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। केवल टॉलरेंस का जो आज की डेट तक जो हमारे पास एविडेंस है या जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से काम करते हैं उसे आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इन अदर वर्ड्स इंडिविजुअल शुड नॉट टिपिकली रिस्पोंड अग्रेसिवली अगेंस्ट देयर ऑन एंटीजन्स। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अपने कंपोनेंट के अगेंस्ट में अग्रेसिवली रिस्पोंड नहीं करता है, उनके अगेंस्ट में एक्ट नहीं करता है, ठीक है। ऑल्दो दे विल रिस्पोंड टू पैथोजन और इवन सेल्स फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। मतलब अपने कंपोनेंट के अगेंस्ट में तो रिस्पोंड नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन यदि वो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, यदि वो सेल्फ नहीं है, तो फिर उनके अगेंस्ट में क्या करेगा, रिस्पोंड करेगा। यहां पर एक पॉइंट क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है, जो सेल्फ टॉलरेंस है ये इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया है, वो रिस्पोंड नहीं कर पा रहा है, वो रिस्पोंड
नहीं कर पा रहा है इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, जैसे पुलिस है तो जनरल लोग भी हैं और एक क्रिमिनल भी है, तो जो पुलिस का रवैया क्रिमिनल के लिए होगा और एक सामान्य जो देश का निवासी उसके लिए होगा, वो सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। जो पुलिस है वो सामान्य व्यक्ति से कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, कोई कार्रवाई उसके अगेंस्ट में नहीं करेगा, लेकिन क्रिमिनल है तो उनके अगेंस्ट में जो हो सकता है वो करेंगे। ठीक है, तो मैं ये दो चीजों में अंतर कर रहा हूं। कई बार ऐसा लगता है स्टूडेंट को कि जो सेल्फ टॉलरेंस है ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इम्यून सिस्टम फंक्शन ही नहीं कर रहा है, वो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, वो अपने कंपोनेंट के अगेंस्ट में एक्टिवेट नहीं हो रहा है, उन्हें इग्नोर कर रहा है, लेकिन फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट में ऐसा नहीं है। तो ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन नहीं है। ठीक है, संध्या गुड मॉर्निंग, अक्षय गुड मॉर्निंग, संदीप गुड मॉर्निंग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन नहीं है। अब हम लोग इस पॉइंट पर आते हैं कि टॉलरेंस होता कैसे, कैसे इम्यून सिस्टम ये इंश्योर करेगा कि कोई भी ऑटो इम्यूनिटी डेवलप ना हो, अर्थात हमारे इम्यून कंपोनेंट कैसे इंश्योर करें कि हमारी इम्यून सेल्स अपने कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय ना करें। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ टॉलरेंस दैट इंड्यूस्ड एट टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लिम्फोसाइट्स, हमारी बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स सेल्फ कंपोनेंट के अगेंस्ट में एक्टिव ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए टॉलरेंस में दो स्टेजेस हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं सेंट्रल टॉलरेंस, दूसरी को क्या कहते हैं, पेरिफेरल टॉलरेंस। बहुत सिंपल है, आप सभी लोग जानते हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये हमारी सेंट्रल सेल्स हैं एडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफाजेस, न्यूट्रोफिल्स, इसनोफिल्स, वेजोफिल्स, ये सेल्स आते हैं, इनके पास बहुत एंटीजन स्पेसिफिक, जिस तरह से बीसीआर और टीसीआर इस तरह के रिसेप्टर्स नहीं होते, ठीक है, लेकिन इनके पास कंजर्व रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम लोग पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स कहते हैं। और जो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं, और आपको यदि याद आ रहा हो तो मैंने कई बार बोला कि उनका रिकॉग्निशन परफेक्ट होता है, वो कभी सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन में अंतर नहीं करते हैं। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं करते हैं। अरे आप ये बताइए, कोई एक चार पैर का एक माले हाथी आ रहा है और एक हाथी को जिसका हाथी है वो आ रहा है, और हमने पूछा कि बताइए कौन इसमें मनुष्य है कौन हाथी है, तो आप कहोगे नहीं सर मैं इस पर तो अभी पीएचडी करूंगा। अरे दूर से देख के बता दोगे हाथी कौन है। और उसी तरह से यदि किसी सेल पर पेप्टिडोग्लाइकन है, क्या है, तो इसमें कोई समस्या नहीं, वो बैक्टीरियल सेल ही है, बताइए कोई समस्या इसमें? तो इस तरह के जो रिसेप्टर है वो कभी गलती नहीं करते हैं। गलती तो केवल किससे होती है, पीसीआर या टीसीआर, मैं इस पर डिस्कशन में बहुत नहीं जा रहा हूं। ठीक है, तो सेंट्रल टॉलरेंस और पेरिफेरल टॉलरेंस, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझिए। बी और टी सेल्स प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में जनरेट होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में और टी लिम्फोसाइट्स भी बोन मैरो में, लेकिन वो एक इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स में डेवलप हो जाए इसके लिए वो एजुकेट होने जाते हैं थाइमस में। तो जितनी भी परवरिश है टी लिम्फोसाइट्स की वो कहां होती है, थाइमस में, और वहां पर एक वो इफेक्टिव इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स में जनरेट होते हैं। तो क्यों ना हम ऐसी बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स को इन्हीं ऑर्गन्स पर क्या करें, आइडेंटिफाई करें जब उनका मैच्यूरेशन चल रहा है कि इनमें कौन सेल्फ रिएक्टिव है, और जो सेल्फ रिएक्टिव हो जिनके रिसेप्टर्स अपने ही कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज करते हो एज ए फॉरेन एंटीजन, क्यों ना उन सेल्स को वहीं इलिमिनेट कर दिया जाए। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये क्या है, सेंट्रल टॉलरेंस। हिंदी में कहावत है, ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। क्यों ऐसा ही तो हम लोग मनोज कहेंगे, मैं तो स्टील की बनवा के ले आऊंगा, आपकी ये जो कहावत है उसे मैं गलत साबित कर दूंगा। अब उस कहावत में मत जाइए, आप अलग अलग ऑप्शंस मत ढूंढिए। तो मुझे लगता है, उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। तो सेंट्रल टॉलरेंस का मतलब क्या है, ऑटो रिएक्टिव सेल्स को इलिमिनेट कर देना प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। ये क्या है,
सेंट्रल टॉलरेंस। मुझे उम्मीद है आप लोग इस केस को समझ गए होंगे, ये पॉइंट समझ में आ रहा है भाई। ऑटो रिएक्टिव सेल्स को क्या करना है, रिस्पॉन्ड कौन करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम किसके अगेंस्ट में, अपने ही कंपोनेंट के अगेंस्ट में। सबसे पहले तो यही इंश्योर करना है कोई ऑटो रिएक्टिव तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि हम ऐसी सेल्स ही जनरेट कर रहे हैं हमारे बोन मैरो या प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, ऐसी सेल्स ही प्रोड्यूस हो रही है जो सेल्फ कंपोनेंट को एज एंटीजन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो उनको क्या करना है, उन्हीं ऑर्गन्स में इलिमिनेट कर देना है। आप लोगों ने पढ़ रखा है 95% से ज्यादा सेल्स क्या होती है, इलिमिनेट कर दी जाती है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, तो सेंट्रल टॉलरेंस इंश्योर होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। प्राइमरली क्या करना है, सेल को किल कर देना है एपोप्टोसिस के थ्रू, एलिमिनेट कर देना है या उन्हें छोड़ देना है, बताइए, इलिमिनेट कर देना है। अरे क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान रखिएगा, सेंट्रल टॉलरेंस उन सेल्स को क्या करना है, इलिमिनेट कर देना है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ये कौन सा टॉलरेंस हो गया, सेंट्रल। लेकिन जो सेंट्रल टॉलरेंस है ये परफेक्ट नहीं है। जब बी सेल और टी सेल मैच्योरेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया तो आपने भी स्टडी किया कि कुछ सेल्स इस टॉलरेंस से बस निकलते हैं और पेरिफेरल टिश्यूज में माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। और कुछ सेल्स को जब डिस्कशन कर रहे थे तो ये कहा कि कुछ सेल्स को किल नहीं किया जाता है और उनको बोल दिया जाता है कि एक्टिव मत होना और वो हमारे सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स में आ जाते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जितनी भी ऑटो रिएक्टिव सेल्स हमारे प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स में जनरेट हो चुके हैं उनमें मोस्ट ऑफ सेल्स को इलिमिनेट कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ऑटो रिएक्टिव सेल्स इन प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन से बाहर निकल जाते हैं और कहां पहुंच जाते हैं, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स वही साइड से जहां पर हमारी इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स एंटीजन को इनकाउंटर करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं। एंटीजन को इनकाउंटर करेंगे और क्या डेवलप करेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स। तो वहां पर ही ऑटो रिएक्टिव सेल्स अपने एंटीजन को भी तो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। यदि सेंट्रल टॉलरेंस परफेक्ट होता तो क्या हम लोग पेरिफेरल टॉलरेंस को डिस्कस करते, नहीं करते, कोई संभावना ही नहीं थी, ठीक है। तो क्या पेरिफेरल जो टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो सेंट्रल टॉलरेंस के फेलियर की वजह से है, तो आप फेलियर ना बोले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग ये नहीं कह सकते फेलियर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों ने इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स या जितनी भी इम्यूनोलॉजिकल स्टडीज है उनको कर लिया और कह दिया आज से कहानी खत्म, ठीक है। तो फेलियर नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल टॉलरेंस परफेक्ट नहीं है। वो सेल्स क्यों माइग्रेट करके वहां पहुंच गए हैं, इसका भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि हमारे सिस्टम ने छोड़ दिया हो कि चलो इनको छोड़ देते हैं, कुछ सेल्स जिनके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स डेवलप हो रहा है वो यदि डिफेक्टिव हो जाएंगे तो उनको इलिमिनेट कर लेंगे, ऐसा भी तो कह सकते हैं। तो ये नहीं कहेंगे कि फेलियर था, बस ये कहेंगे परफेक्ट नहीं, मतलब हम इसको दोष नहीं देंगे लेकिन ये कहेंगे ये परफेक्ट नहीं है, तभी हम किसको पढ़ते हैं, पेरिफेरल। पेरिफेरल टॉलरेंस में जब हम लोग जाते हैं तो ये सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स में इंश्योर किया जाएगा, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स, क्योंकि ये पेरिफेरल टिश्यूज में जा रहा है जहां पर हमारे लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है मनोज। लिम्फ नोड के अलावा स्प्लीन है, ठीक है, इसके साथ ही म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यूज हैं, वहां पर इंश्योर किया जाएगा पेरिफेरल टॉलरेंस, ठीक है। अब पेरिफेरल टॉलरेंस का मतलब ये है, अब सिंपल शब्दों में समझ लो कि एक ऑटो रिएक्टिव सेल हमारे सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स में है, ठीक है, और वहां पर सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स में ही तो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है, वहां पर वो सेल हमारे ही एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके एक्टिव हो सकता है, तो उसे रोकना होगा। तो यदि वो एक्टिव हो सकता है तो उसे क्या करना है, रोकना है। अब रोकने के क्या तरीके हो सकते हैं, देखो यहां पर जो सेंट्रल टॉलरेंस है, सेंट्रल टॉलरेंस का मतलब है प्राइमरली ऑटो रिएक्टिव सेल्स को इलिमिनेट करना वाया एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस के थ्रू उनको क्या कर देना, इलिमिनेट कर देना, ये हमारा एम है किसमें, सेंट्रल में। और यहां पर ऑटो रिएक्टिव सेल है और वो मैच्योर सेल की तरह बिहेव करेगा,
वो सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके एक्टिव हो सकता है। टी सेल एक्टिवेशन और बी सेल एक्टिवेशन कैसे होता है ये आप जानते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब उसके साथ क्या किया जाए, तो जो ऑटो रिएक्टिव सेल है पेरिफेरल टॉलरेंस में, उसके साथ या उसे हम कैसे रोक सकते हैं, उसके तीन तरीके हो सकते हैं। पहला, उसे इलिमिनेट कर दिया जाए। क्या किया जाए, इलिमिनेट कर दिया जाए, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि उसे एनर्जिक कंडीशन में ले जाया जाए। किस कंडीशन में, लॉन्ग लास्टिंग इन एक्टिवेशन, उसको हिदायत देके छोड़ दिया जाए कि आपका एक्टिवेशन नहीं होना, आपको एक्टिव नहीं होना, जिसे क्या कहते हैं एनर्जी, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। कोई समस्या यहां पर, पेरिफेरल टॉलरेंस में एक तो एनर्जिक कंडीशन इंड्यूस की जाए, दूसरा उसकी एपोप्टोसिस करा दी जाए, ठीक है, और तीसरा केस है जो हमारी रेगुलेटरी टी सेल्स हैं। जब आप टीएच सेल का एक्टिवेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ते हो तो एक सेल पढ़ते हो टी रेगुलेटरी, और टी रेगुलेटरी सेल्स कुछ स्पेशलाइज्ड साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी इम्यून सेल्स के एक्टिवेशन को सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो पेरिफेरल टॉलरेंस जो है इंश्योर किया जा सकता है तीन मैकेनिज्म के थ्रू, एनर्जी के थ्रू, ठीक है, टी रेगुलेटरी सेल्स के फंक्शन के थ्रू ये एक्टिवेशन को सप्रेस करेंगे, और तीसरा क्या है, उनकी एपोप्टोसिस को इंड्यूस करके, ठीक है। इंड्यूस ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, अकर्स इन द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कंसर्न्ड विद द डिलीशन ऑफ सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ मैच्योरेशन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये ध्यान रखोगे मैच्योरेशन के समय ये मैच्योर हो चुके हैं, एक्टिवेशन के लेवल पर इनको कंट्रोल किया जाएगा। यहां प्राइमरली इलिमिनेशन करेंगे, यहां पर हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं इलिमिनेशन के साथ, आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं सेंट्रल टॉलरेंस के मैकेनिज्म पर। दो तरह की सेल्स हैं, टी सेल्स और बी सेल्स। क्या सेंट्रल टॉलरेंस को इंश्योर करने के लिए जो बी और टी सेल्स हैं उनके मैकेनिज्म सेम है? अभी हम लोगों ने कहा कि सेंट्रल टॉलरेंस का मतलब है सेल्फ रिएक्टिव सेल्स को इलिमिनेट करना, ठीक है, सेल्फ रिएक्टिव सेल्स को क्या करना, इलिमिनेट करना। इलिमिनेशन का मतलब है, इलिमिनेशन को हम लोग डिलीशन से जनरली क्या लिख देते हैं, डिलीशन। ये एपोप्टोसिस ही है, सेल्फ रिएक्टिव सेल्स की एपोप्टोटिक प्रोग्राम को इनिशिएट कर देना जिससे उनकी डेथ हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, डिलीशन। तो टी सेल्स का मैच्यूरेशन कहां होता है, थाइमस में। बी सेल्स का मैच्यूरेशन बोन मैरो में। तो दोनों में थोड़ा अंतर है। जब हम सेंट्रल टॉलरेंस कहते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है, ऑटो रिएक्टिव सेल्स को इलिमिनेट करना है, लेकिन बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स में सेंट्रल टॉलरेंस इंश्योर करने के लिए दोनों में कुछ डिफरेंसेस, ठीक है। वो डिफरेंस ये है कि टी लिम्फोसाइट्स में प्राइमरली क्या होता है, डिलीशन, दूसरा ऑप्शन नहीं होता है और उनको डिलीट ही करना है, ठीक है, कोई समस्या। जब हम आते हैं बी लिम्फोसाइट्स में तो यहां पर भी डिलीशन है, जैसा टी लिम्फोसाइट्स में सेंट्रल टॉलरेंस इंश्योर करने का मैकेनिज्म है वैसा ही बी लिम्फोसाइट में, लेकिन बी लिम्फोसाइट में कुछ एडिशनल मैकेनिज्म भी हैं सेंट्रल टॉलरेंस को इंश्योर करने के लिए, ठीक है। उसमें दूसरा जो मेजर है वो कौन है, क्यों ना बी लिम्फोसाइट्स को एक मौका और दिया जाए कि वो अपने बीसीआर को रीअरेंज कर ले, बीसीआर को रीअरेंज करें और वो अपने ऑटो रिएक्टिव बीसीआर को कुछ इस मैनर में चेंज कर लें कि वो सेल्फ कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज न करे, अर्थात इन सेल को एक ऑप्शन और दिया कि आप अपने रिसेप्टर को बदल लीजिए, और ये सेल्फ कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो हम आपको छोड़ देंगे, आप मैच्योर हो जाइएगा और पेरिफेरल टिश्यूज में माइग्रेट करिए, तो क्या मिलेगा। तो क्या टी लिम्फोसाइट्स को ये ऑप्शन दिया जाएगा रिसेप्टर एडिटिंग का, नहीं मिलेगा, किसको मिल गया, ठीक है। और जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो यदि इनका जो रिसेप्टर एडिटिंग का जो मैकेनिज्म है वो प्रोडक्टिव रहा तो ये मैच्योर होकर के पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स में आएंगे, ठीक है। और जो रीअरेंज नहीं कर पाए, जो प्रोडक्टिव बीसीआर प्रोड्यूस नहीं कर पाए, उनका क्या होगा, डिलीशन होगा। लेकिन इनमें से कुछ सेल्स ऑटो रिएक्टिव सेल्स, ऐसा नहीं कि सभी डिलीट हो जाएंगे, कुछ माइग्रेट करके कहां पहुंच जाएंगे, पेरिफेरल ऑर्गन्स में, उनको हम लोग किस में बोलेंगे, एनर्जिक।
किसमें बोलेंगे, उनको एनर्जिक कंडीशन में ले जाएंगे। मैं एनर्जिक कंडीशन यहां लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वो पेरिफेरल टिश्यूज का रिस्पॉन्स है, एक्टिवेशन के लेवल का रिस्पॉन्स है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कुछ सेल्स जो बच निकलेंगे इन दोनों प्रोसेस से, उनको किसमें ले जाया जाएगा, एनर्जिक, उनको हमेशा के लिए बोला जाएगा आपको एक्टिवेट नहीं होना है, और इस तरह से वो सेल हमारे पेरिफेरल टिश्यूज में होंगे, तो एनर्जी को पेरिफेरल टॉलरेंस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से समझो, क्या टी सेल और बी सेल में सेंट्रल टॉलरेंस को इंश्योर करने के लिए मैकेनिज्म दोनों के लिए आइडेंटिकल है, सेम है, कोई वेरिएशन नहीं है? तो आपका आंसर है वेरिएशन है। ठीक है, डिलीशन इज द मैकेनिज्म ऑफ सेंट्रल टॉलरेंस इन द टी सेल। In deletion, autoreactive T cells are eliminated by apoptosis in the thymus. This event is also called, जब आप T cell maturation पढ़ते हैं तो दो तरह का selection होता है, positive selection and negative selection. Positive selection ensure करता है MHC restriction, वही cell survive करते हैं जो अपने TCR के through self MHC molecule को recognize करते हैं। T cell maturation में आपने study किया, ठीक है? जो इस selection criteria से बाहर निकलते हैं, अर्थात वो पॉजिटिवली सेलेक्ट हो जाते हैं, वो सर्वाइव करते हैं और आगे मैच्योर होते हैं और सेकेंड स्टेज के सिलेक्शन प्रोसेस में जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं निगेटिव सिलेक्शन। निगेटिव सिलेक्शन में आपने स्टडी किया कि जिन सेल्स का इंटरेक्शन अपने एमएससी सेल्फ एमएससी मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन जो है उसका ज्यादा बेहतर है, अर्थात उसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा है, वो टाइटली इंटरेक्ट करते हैं, ऐसी सेल्स को भी इलिमिनेट कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ निगेटिव सेलेक्शन। निगेटिव सेलेक्शन ही डिलीशन है, अर्थात जिन सेल्स ने अपने कंपोनेंट के साथ, जिन टी सेल्स ने अपने टीसीआर के थ्रू सेल्फ एमएससी मॉलिक्यूल के साथ हाई एफिनिटी से इंटरेक्शन किया है, उनका इलिमिनेशन करते हैं। ठीक है, तो यही इलिमिनेशन का प्रोसेस है टी सेल मैच्योरेशन में, आप इसे क्या कहते हो, निगेटिव सेलेक्शन। सेंट्रल टॉलरेंस इन द बी सेल्स ऑल्सो शोज सम फीचर्स दैट आर ऑल्सो फाउंड इन सेंट्रल टॉलरेंस इन द टी सेल लीनियज, जैसे डिलीशन, अर्थात बी सेल में भी कुछ मैकेनिज्म है जो वैसे ही है जैसा टी सेल में पाए जाते हैं, जैसे कि डिलीशन, लेकिन कुछ फीचर्स इसमें कैसे हैं, यूनिक हैं, जो टी सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि रिसेप्टर एडिटिंग। कोई समस्या इसमें बताइए? एक क्वेश्चन आ रहा है, स्यूडोम्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकन में क्या डिफरेंस है, जबकि स्यूडोम्यूरिन भी पेप्टिडोग्लाइकन की तरह ही होता है। तो जो पेप्टिडोग्लाइकन है ये नेग और नेम यानी एसिटाइल ग्लूकोसामीन और यानी एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड का पॉलीमर है, लिंक्ड बाय बीटा 1:4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और इनमें चार जो ट्रांसपेप्टाइड्स होते हैं ना, जिनके साथ पेप्टाइड्स जुड़े हुए हैं, उनमें से दो अमाइनो एसिड्स कैसे होते हैं, डी अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनका जो स्टीरिक जो स्टीरियो स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एल नहीं होता है। जबकि स्यूडोम्यूरिन में जाएंगे, आर्किबैक्टीरिया की सेल वॉल की बात कर रहे हैं, यहां पर जो एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड है वो नहीं पाया जाता है, उसकी जगह पर एन एसिटाइल टेलोसामीन यूरोनिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, दूसरा जो बॉन्डिंग जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो बीटा 1:3 है, और एल अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, डी अमाइनो एसिड्स नहीं पाए जाते हैं, ये डिफरेंस है। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो चलिए, इन मैकेनिज्म ऑफ टॉलरेंस, सेंट्रल टॉलरेंस इन टी सेल, डिलीशन, और दूसरी तरफ क्या हो गया बताइए, डिलीशन हो गया, एनर्जी हो गया, रिसेप्टर एडिटिंग हो गया, ये कहां पर होगा बताइए, जो सेंट्रल टॉलरेंस है टी सेल के लिए वो कहां पर होगा, थाइमस में होगा। ठीक है, जो ऑटो रिएक्टिव टी सेल हैं, ऑटो रिएक्टिव टी सेल, उनकी क्या, उनका क्या होगा, उनकी डेथ हो जाएगी, किसमें हो जाएगी, विद इन थाइमस। ठीक है, और ऑन एन एवरेज जितनी भी टी सेल्स थाइमस पहुंचते हैं, थाइमोसाइट्स, इमेच्योर टी सेल बोन मैरो से माइग्रेट होकर के कहां आते हैं, थाइमस, उनमें से 95% सेल्स की डेथ हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो डेथ का जो परसेंट है ये रिफ्लेक्ट करता है कि यहां पर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो कितना स्ट्रिक्ट है। ठीक है, और यही कारण है कि जो ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं वो बहुत ही रेयर हैं। ऑटो इम्यून डिजीज क्या है, रेयर है।
आगे बढ़ा जाए, अब किस में आते हैं, बोन मैरो में। जो बी लिम्फोसाइट से इनका मैचुरेशन कहां होगा, बोन मैरो में होगा, ठीक है। ये बोन मैरो है, यहां पर क्या होगा और क्या हो जाएगा, लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि सभी ऑटो रिएक्टिव सेल्स को क्या करेगा, इलिमिनेट कर देगा। कुछ सेल्स एक रास्ता, कोई ना कोई रास्ता खोज निकालेंगे जिससे वो यहां से बच निकलेंगे, ठीक है। जो सेल्स बच निकलेंगे वो ऐसा नहीं कि वो बहुत एग्रेसिवली ऑटो रिएक्टिव है, वो किस स्टेज में है, अर्थात जो सेल्स ऑटो रिएक्टिव हैं और इनकी डेथ नहीं हुई है, वो भी सेल्स बहुत एग्रेसिवली एक्टिव नहीं है, बल्कि वो एक स्टेट में है जिसे क्या कहते हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ अनरिस्पॉन्सिवनेस, नॉन रिस्पॉन्सिवनेस, अर्थात वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन को क्या नाम देते हैं। और ये सेल माइग्रेट कर गए हैं पेरिफेरल टिश्यूज, ठीक है। इनको ये जो टॉलरेंस का जो केस हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। रिसेप्टर एडिटिंग की बात करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेप है, और रिसेप्टर एडिटिंग में क्या होने वाला है हम लोग इस केस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जब बी सेल्स मैच्योर हो रहे होते हैं बोन मैरो में, तो एक स्टेज आती है जिसे हम लोग इमैच्योर बी सेल स्टेज कहते हैं, क्या नाम देते हैं, इमैच्योर बी सेल। जब एक बी सेल इमैच्योर स्टेज पर है, तो इनके सरफेस पर कौन से एंटीबॉडीज एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, तो इनके सरफेस पर एक्सप्रेस होता है IgM, लेकिन अभी IgD का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा। और जब किसी बी लिम्फोसाइट के सरफेस पर कौन एक्सप्रेस होने लगता है, IgD का एक्सप्रेशन होने लगता है, अर्थात इम्यूनोग्लोबुलिन डी का एक्सप्रेशन, तो ये इंडिकेट करता है ये सेल मैच्योर है, ठीक है। तो मैं पूरी कहानी में नहीं जा रहा हूं, इसको आप लोग समझ रहे हैं। जब बी सेल इमैच्योर सेल स्टेज पर होते हैं, तो इनके पास अपना BCR है, और आप लोग IgA और IgB के बारे में भी जानते हैं, IgA और IgB, ठीक है, इसका को रिसेप्टर है। ये इमैच्योर सेल स्टेज है, इसी सेल स्टेज पर ही रिसेप्टर एडिटिंग होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि जब बी सेल का मैचुरेशन होगा तो किस स्टेज पर बी सेल को यह ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपना रिसेप्टर एडिट कर लें। तो जब बी सेल मैच्योर हो रहे होते हैं और अपनी मैचुरेशन की सेकेंड लास्ट स्टेज में आते हैं, जिसमें कि जिसको क्या बोलते हैं, इनके सरफेस पर एक फंक्शनल BCR एक्सप्रेस हो रहा है, बी सेल रिसेप्टर। BCR का मतलब है इन बी लिम्फोसाइट्स का एंटीजन रिकॉग्नाइजिंग रिसेप्टर एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। और जस्ट इससे पहले की स्टेज में आपने देखा था कि इस हैवी चेन के साथ, IgM की जो हैवी चेन से इनके साथ सरोगेट लाइट चेन एक्सप्रेस हो रही थी, और जब लाइट चेन जीन प्रोडक्टिव रहा, उनके लाइट चेन के प्रोडक्ट ने इस हैवी चेन को ज्वाइन कर लिया, तो एक फंक्शनल एंटीबॉडी एक्सप्रेस हो रहा है। ये सेल स्टेज है जहां पर ऑटो रिएक्टिविटी को चेक किया जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, किस स्टेज पर यह चेक किया जाएगा कि सेल्स ऑटो रिएक्टिव है या नहीं है, बी लिम्फोसाइट्स ऑटो रिएक्टिव है या नहीं है, तो किस स्टेज पर, इमैच्योर। यदि ऑटो रिएक्टिव है तो इसे कौन सा ऑप्शन मिलेगा, रिसेप्टर एडिटिंग। अब रिसेप्टर एडिटिंग क्या है, उस केस को समझिए। एंटीजन का रिकॉग्निशन बी सेल किसके थ्रू करते हैं, एंटीबॉडी के थ्रू करते हैं, ठीक है। एंटीजन का रिकॉग्निशन तो एंटीबॉडी के द्वारा होगा, और एंटीजन एंटीबॉडी पर किस रीजन पर बाइंड करता है, तो एंटीजन की बाइंडिंग होती है वेरिएबल रीजन पर, यही तो वेरिएबल रीजन है, ये वेरिएबल रीजन है, इस रीजन पर एंटीजन बाइंड होगा। तो क्वेश्चन आता है, जब रिसेप्टर एडिटिंग होगा, ठीक है, तो ये कौन सी चैन है, हैवी चैन है, और इस वेरिएबल रीजन में तो दोनों पाए जाते हैं, हैवी और लाइट। तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बना है दो तरह की पॉलीपेप्टाइड का, वन इज लाइट चेन, ठीक है, सेकेंड वन इज हैवी चेन, और
आप है भी चैन समझ ही पा रहे हैं, म्यू टाइप है। तो जब रिसेप्टर एडिटिंग करेंगे तो पूरा का पूरा एंटीबॉडी ही बदल देंगे, या रिसेप्टर एडिटिंग में यह फोकस किया जाएगा कि वेरिएशन वेरिएबल रीजन में कर ले। तो किस में वेरिएशन करना होगा? वेरिएबल रीजन, क्योंकि यही पोर्शन तो सेल्फ कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज कर रहा है। जैसे आप लोग क्लास स्विचिंग पढ़ते हैं, जब क्लास स्विचिंग पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वेरिएबल रीजन में कोई चेंज नहीं करते हैं, लाइट चेन में कोई चेंज नहीं है, हैवी चेन का जो कॉन्स्टेंट रीजन है उसे क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, अर्थात हैवी चेन की क्लास को बदल देते हैं। क्लास स्विचिंग में ही तो पढ़ते हो, ठीक है। जब सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन पढ़ते हो, जिसे हम लोग एफिनिटी मैच्यूरेशन कहते हैं, सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन में वेरिएबल रीजन में चेंज करते हैं, लाइट और हैवी चेन दोनों में चेंज कर लेते हैं, एक तरह का रिकॉम्बिनेशनल प्रोसेस है। और यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, रिसेप्टर एडिटिंग। तो मेरे क्वेश्चन आपके लिए वही है कि जब रिसेप्टर एडिटिंग होती है तो हैवी चेन के पूरे स्ट्रक्चर को रिप्लेस कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, या फिर हैवी चेन के केवल और केवल वेरिएबल रीजन को चेंज किया जाएगा, या फिर लाइट चेन के वेरिएबल रीजन को ही चेंज किया जाएगा, हैवी चेन के वेरिएबल रीजन में कोई चेंज नहीं होगा, या दोनों में चेंज किया जाएगा, क्योंकि वेरिएबल रीजन तो लाइट और हैवी दोनों का बना। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप बी सेल मैच्यूरेशन पढ़ते हैं तो मैच्यूरेशन के समय सबसे पहले हैवी चेन जीन रीअरेंजमेंट स्टार्ट होता है, और जब हैवी चेन का जेनेटिक रीअरेंजमेंट प्रोडक्टिव रहता है तभी लाइट चेन का जेनेटिक रीअरेंजमेंट स्टार्ट होता है, यही होता है ना। फिर क्लास स्विचिंग हो गई, एफिनिटी मैच्यूरेशन हो गया, इन दोनों का रिलेशन हैवी और लाइट से है, और कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। रिसेप्टर एडिटिंग में भी तो क्वेश्चन होगा कि हम ये चेंज किस में करने वाले हैं, हम इस ऑटो रिएक्टिव बी लिम्फोसाइट्स को चेंज कर रहे हैं कि वो सेल्फ रिएक्टिव ना रहे, वो अपने एंटीजन रिकॉग्नाइजिंग क्राइटेरिया जो है, स्पेसिफिसिटी है, उसमें चेंज कर ले। तो ये चेंज करने के लिए हमें किसमें चेंज करना है, और यहां पर जो चेंज है वो जीन लेवल पर होगा, ऐसा नहीं कि एंटीबॉडी के लेवल पर। एंटीबॉडी तो प्रोटीन है ना, और प्रोटीन बन किस कोड किससे हो रहा है, एक पर्टिकुलर जीन से, ठीक है। तो हैवी चेन और लाइट चेन, और उन लाइट चेन और हैवी चेन जीन में दो रीजन हो गए, दो सेगमेंट हो गए, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट। तो रिसेप्टर एडिटिंग में जो वेरिएबल रीजन है लाइट चेन का, उसमें चेंज किया जाता है। किसमें चेंज करेंगे? लाइट चेन के वेरिएबल रीजन, ठीक है। ऐसा क्यों है, टेक्निकली समझ लीजिए, क्योंकि इमेच्योर सेल स्टेज है ना, अभी जस्ट किसका जेनेटिक रीअरेंजमेंट हुआ है, लाइट चेन का, हैवी चेन का जेनेटिक रीअरेंजमेंट पहले हो चुका है, अर्थात हैवी चेन के जेनेटिक रीअरेंजमेंट को हम लोग कंफर्म कर चुके हैं, उसकी मशीनरी को स्विच ऑफ कर चुके हैं, और अभी यहां पर किस स्टेज में है, इमेच्योर, इसका मतलब जस्ट अभी लाइट चेन का जेनेटिक रीअरेंजमेंट सक्सेसफुल रहा है और उसने हैवी चेन को ज्वाइन किया है, अभी बदलाव करना है ना, तो उसी मशीनरी को यूज करके क्या कर लेंगे, बदलाव कर लेंगे, ये ध्यान रखोगे। तो किसमें बदलाव होगा, यहां पर वेरिएबल रीजन जो कोड करता है लाइट चेन का, वो जीन सेगमेंट जो वेरिएबल रीजन कोड कर रहा है लाइट चेन के लिए, उसमें बदलाव करते हैं, उनके सेगमेंट्स में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो कई सारे वेरिएबल रीजन सेगमेंट होते हैं, कई सारे, जैसे आपके पास पेन है और आपने क्या किया, एक पेन लिया, उससे आप कुछ पकड़ नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे, तो आपने वो पेन रख दिया, दूसरा उठा लिया। तो इस तरह से वेरिएबल रीजन सेगमेंट होते हैं कई सारे सेगमेंट। हैवी चेन के बारे में आप जानते हैं पांच तरह के होते हैं, यही होते हैं ना, पांच तरह की एंटीबॉडीज हम लोग कोड करते हैं। सबसे पहले कौन सा जीन अरेंज करते हैं, आईजीएम के लिए, जब क्लास स्विचिंग करते हैं तो बदल देते हैं, दूसरे हैवी चेन जीन को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसी तरह से यहां लाइट चेन जीन सेगमेंट को हम बदल देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे दूसरा, ठीक है। ये एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, ठीक है। ये एफर्ट लगाया जाएगा कि ये प्रोडक्टिव बना रहे, और ये कोई संख्या नहीं कि दो बार या तीन बार होगा, ये मल्टीपल टाइम हो सकता है, लेकिन फिर भी यदि प्रोडक्टिव नहीं रहा तो इलिमिनेशन हो जाए, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, बताइए। रिसेप्टर एडिटिंग अलाउज एन इमेच्योर बी सेल एक्सप्रेसिंग ए बीसीआर स्पेसिफिक फॉर, ठीक है, अर्थात ऑटो रिएक्टिव। ऐसा नहीं कि रिसेप्टर एडिटिंग सभी को करना है, केवल किसको करना है, ऑटो रिएक्टिव। ये पॉइंट आप सब लोग समझ पा रहे होंगे, कौन सी सेल्स के लिए, और जो ऑटो रिएक्टिव नहीं है वो तो मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। टू रिप्लेस इट विथ ए
BCR स्पेसिफिक फॉर ए नॉन सेल्फ एंटीजन, ठीक है. रिसेप्टर एडिटिंग अकर्स प्रीडोमिनेंटली इन लाइट चेन जी. ये क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के कई सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में रहे हैं. चार टॉपिक हैं, आप ध्यान रखिएगा. एक तो बी सेल मैच्यूरेशन के समय हैवी चेन लाइट चेन जेनेटिक रीअरेंजमेंट पहले कौन होगा, बाद में कौन होगा, ये ध्यान रखोगे. दूसरा क्लास स्विचिंग के समय कौन से जीन्स में जेनेटिक रीअरेंजमेंट होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है. एफिनिटी मैच्यूरेशन के समय जेनेटिक रीअरेंजमेंट किस लेवल पर होगा, हैवी में होगा लाइट में होगा वेरिएबल में होगा या कॉन्स्टेंट. और चौथा केस कौन है, रिसेप्टर एडिटिंग, ठीक है. The existing rearranged light chain variable region is replaced with an upstream variable region segment. अर्थात जो यूज किया जा रहा है, जो सेगमेंट है, जब वो प्रोडक्टिव नहीं रहा तो उसके आगे वाला जो जेनेटिक सेगमेंट है, वेरिएबल रीजन सेगमेंट है, उसे यूज कर ले. That rearranges to a more downstream J region to produce a less autoreactive receptor with an affinity for, ठीक है, विथ एन एफिनिटी फॉर सेल्फ एंटीजन बिलो ए क्रिटिकल थ्रीसोल्ड दैट वुड लीड टू डिजीज, ठीक है, अलाउइंग टू टी सेल टू सर्वाइव, बी सेल टू सर्वाइव. अर्थात यहां पर जो इंटरेक्शन है, जब वो रिसेप्टर एडिटिंग करेगा तो बी सेल को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो सेल्फ कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज करे, ठीक है. तो जब वो इंटरेक्ट करेगा सेल्फ कंपोनेंट के साथ तो वो बहुत मजबूती से बाइंड नहीं कर पा रहा है, अर्थात उसकी एफिनिटी क्रिटिकल लेवल से भी लो है. इसका मतलब वो नॉन रिएक्टिव है, उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा और वो सर्वाइव कर जाएंगे. और जो सेल्फ एंटीजन के साथ क्या कर लेंगे, मजबूती से बॉन्डिंग कर लेंगे, उसे क्या किया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा. ये ध्यान रखोगे, ये किसको ऑप्शन मिल रहा है, बी लिम्फोसाइट्स को. टी लिम्फोसाइट्स को ये ऑप्शन नहीं मिला. तो ये है सेंट्रल टॉलरेंस. आगे बढ़ा जाए, ठीक है. बात करने वाले हैं पेरिफेरल टॉलरेंस. पेरिफेरल टॉलरेंस का मतलब है ऑटो रिएक्टिव सेल्स हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में है, ठीक है, और वो रेस्पेक्टिव प्राइमरी ऑर्गन से मैच्योर होकर के आ गए हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में. वो सेल्फ रिएक्टिव हैं, वो एक्टिवेट हो सकते हैं, और वो एक्टिवेट हुए तो वो सेल्फ कंपोनेंट को ही डिस्ट्रॉय करेंगे, तो वो एक्टिवेट ही ना होने दिया जाए उनको. उनको कुछ इस तरह से या इस तरह की जो मैकेनिज्म है उनको एक्टिवेट किया जाए जो इंश्योर करें कि ये सेल्स एक्टिवेट ना हो. या दूसरा ये भी कह सकते हैं कि यदि वो सेल्स प्रेजेंट हैं तो उनको इलिमिनेट कर दिया जाए, उनकी एपोप्टोसिस को इंड्यूस किया जाए. तो पहला केस कौन है, एनर्जी है. पहला केस कौन है, एनर्जी है. एनर्जी का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग इनएक्टिवेशन, ठीक है. एनर्जी इज डिफाइंड एज द फंक्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स रिजल्टिंग इन अनरिस्पॉन्सिवनेस अपॉन फर्दर कॉन्टेक्ट विद एंटीजन. अर्थात इनको एक स्टेज ऑफ अनरिस्पॉन्सिवनेस में मेंटेन रखते हैं कि यदि ये ऑटो रिएक्टिव सेल्स सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं अपने एंटीजन रिसेप्टर के थ्रू तो ये एक्टिवेट ना हो. और कैसी स्टेज में बने रहे, तो यदि एंटीजन से इंटरैक्ट करते भी हैं, अपने रिसेप्टर से एंटीजन को रिकॉग्नाइज भी करते हैं तो भी इनका एक्टिवेशन नहीं होगा. इस स्टेज को ही क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, यही तो बोलते हैं ना. अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन भी है कि कैसे इंश्योर किया जाए कि वो एक्टिवेट ना हो. ये भी तो एक बी लिम्फोसाइट है और ये भी क्या है, टी लिम्फोसाइट है, ठीक है. बी लिम्फोसाइट भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं और वो टी लिम्फोसाइट को एंटीजन प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. तो आप लोगों ने बी सेल और टी सेल का एक्टिवेशन पढ़ रखा है या नहीं पढ़ा हुआ है, पढ़ रखा है ना. कुछ लोग बोल नहीं रहे, ऐसा नहीं कि मैं भूल गया हूं कि आप नहीं बोलेंगे तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है आप लोगों ने नहीं पढ़ा, चलो पढ़ते हैं. ये कौन है, टी सेल है, ठीक है. आप लोगों ने कई सारे रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ रखा है,
मैं एक्टिवेशन की कंडीशन लिख रहा हूं, ये B7 मॉलिक्यूल है और ये इंटरैक्ट करते हैं किसके साथ, CD28 के साथ। B7 में आप लोग जानते हैं B7-1 है, B7-2 है जिसमें CD80 है और CD86 है, यही तो हुआ। ठीक है, टी सेल की बात करते हैं। जब भी टी सेल एक्टिवेट होते हैं तो इन टी सेल्स को एक्टिवेट होने के लिए दो सिग्नल्स चाहिए। ठीक है, पहला सिग्नल इनको मिलता है जब इनका एंटीजन स्पेसिफिक TCR सेल्फ MSC मॉलिक्यूल से एंटीजन रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो पहला सिग्नल मिल गया। दूसरा सिग्नल मिलता है जब इनका CD28 रिसेप्टर या प्रोटीन, सरफेस प्रोटीन इंटरेक्ट करता है B7 मॉलिक्यूल से, और इसी को हम लोग को रिसेप्टर इंटरेक्शन भी बोलते हैं, को स्टिमुलेटरी सिग्नल भी कहते हैं। तो सेकेंड सिग्नल यहां से जनरेट हुआ। जैसे ये दो सिग्नल जनरेट होते हैं, ये टी सेल एक्टिवेट होता है और सेल साइकिल स्टार्ट कर देता है, सेल साइकिल में इंटर करता है, सेल डिवीजन स्टार्ट कर देता है, इसी के साथ इंटरल्यूकिन 2 का सिक्रीशन भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, किसको सिक्रीट करना शुरू करता है, इंटरल्यूकिन 2 को, और ये इंटरल्यूकिन एक ऑटोक्राइन फैशन में, ठीक है, मैनर में फंक्शन करता है और अपने ही रिसेप्टर्स पर आकर के बाइंड करता है। अब उस पूरे प्रोसेस में मैं आगे नहीं जा रहा हूं, आप सभी लोग इस केस को समझ पा रहे हैं। ये इंटरल्यूकिन्स बाइंड होते हैं अपने रिसेप्टर के साथ, जिनको हम लोग इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर कहते हैं, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर। एक्टिवेशन के समय इन इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर्स के साथ एक और पॉलीपेप्टाइड आकर के इनको ज्वाइन करती है, जिससे ये हाई एफिनिटी इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कंडीशन है, जैसे ही दोनों सिग्नल मिलते हैं, सेल्स इस स्टेज में जाता है और फिर डिवीजन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, डिवीजन के साथ ही फिर ये डिवाइड करेगा और आगे बढ़ेगा और डिफरेंशिएट होगा, तो ये टी सेल का एक्टिवेशन है। जब हम लोग बी सेल एक्टिवेशन में आते हैं तो आपने पढ़ रखा है, पहला सिग्नल तो इसे मिलेगा जब ये अपने BCR से इसको रिकॉग्नाइज करेगा, एंटीजन का रिकॉग्निशन करेगा, ये बी लिम्फोसाइट है, और यदि इनकी सरफेस एंटीबॉडी पर कोई भी एंटीजन आकर के बाइंड होता है तो इसको कौन सा सिग्नल मिल गया, पहला सिग्नल मिल गया एक्टिवेशन का। बी लिम्फोसाइट अपने आप में एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, एंटीजन को इनगल्फ करेगा along with एंटीबॉडी, इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को अंदर लेके आएगा। ठीक है, इंडोसोम में जाकर के इसे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के साथ ही MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल पर असेंबल करेगा और देन प्रेजेंट कर देगा। देखो प्रेजेंटेशन इसी तरह से, ठीक है, यही है ना। दूसरा जो सिग्नल है, जब हम थाइमस डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन की बात करते हैं, बी सेल एक्टिवेट हो सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ टी सेल, जिसे हम लोग थाइमस इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन कहते हैं, टी सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये कैसे इसको दूसरा सिग्नल मिलेगा, तो आप सभी जानते हैं बी सेल सरफेस पर एक रिसेप्टर एक्सप्रेस होता है जिसे हम लोग CD40 कहते हैं, क्या कहते हैं, और जो एक्टिवेटेड टी सेल्स हैं दे स्टार्ट एक्सप्रेशन ऑफ CD40। और यहां से इसको कौन सा सिग्नल मिला, यही सिग्नल जरूरी है इस बी लिम्फोसाइट के मेमोरी सेल फॉर्मेशन के लिए, क्लास स्विचिंग के लिए, एफिनिटी मैच्यूरेशन के लिए। यदि ये सिग्नल नहीं मिलता है तो बी लिम्फोसाइट्स ना तो एफिनिटी मैच्यूरेशन करते हैं, ना क्लास स्विचिंग करते हैं, और ना ही मेमोरी सेल में डिफरेंशिएट हो पाते हैं, यही तो केस है ना। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझिए, ये ऑटो रिएक्टिव सेल्स हैं, कौन सी सेल्स हैं, तो इनको भी एक्टिवेट होने के लिए यही तो कंडीशन चाहिए। तो यदि वो टी सेल है, ऑटो रिएक्टिव टी सेल है, तो उसके पास भी क्या है, TCR है, और वो सेल्फ कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज कर सकता है, और रिकॉग्नाइज कर लिया तो क्या होगा, एक्टिवेशन हो जाएगा। यदि बी लिम्फोसाइट है तो अपनी एंटीबॉडी के थ्रू हमारे सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो यहां पर एक्टिवेशन के जो दो सिग्नल्स हैं उनके बारे में बात किया और आप समझ पा रहे हैं कैसे एक्टिवेशन हो जाएगा। तो बड़ा चैलेंज तो यही होगा ना कि ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स को सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में एक्टिवेट होने से कैसे रोका जाए। ठीक है, ये जो एनर्जी है, एनर्जी को कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, और ये तो इनको मिल ही जाएंगे। यदि ये ऑटो रिएक्टिव सेल हैं तो
ये सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे रेस्पेक्टिव सेल से, बी लिम्फोसाइट डायरेक्ट रिकॉग्नाइज कर सकता है, टी सेल भी ऑटो रिएक्टिव मिल गया तो एक्टिवेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो कैसे एनर्जी की स्टेज में, मेरा क्वेश्चन या मुझे समझाने का जो मेरा एम है वो ये है कि एनर्जिक जो कंडीशन है उसको कैसे स्टेब्लिश किया जाए, कैसे ऑटो रिएक्टिव सेल्स को ये सिग्नल दिया जाए कि आपको एक्टिवेट नहीं होना है। ठीक है, तो जो एनर्जी है उसको इंड्यूस करते हैं ये जो सेकेंडरी सिग्नल से, डी लिम्फोसाइट के लिए सेकेंडरी सिग्नल कौन है, CD40, CD40L, ये सिग्नल डिलीवर ना होने दिया जाए बी सेल को। ठीक है, और टी सेल के लिए B7 और CD28 सिग्नल डिलीवर ना होने दिया जाए। ये ध्यान रखोगे, यदि ये सिग्नल्स नहीं मिलते हैं तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब भी कोई बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट एंटीजन रिकॉग्नाइज करते हैं एक ऐसे एनवायरमेंट में, एक आइडियल एनवायरमेंट नहीं है, अप्रोप्रिएट एनवायरमेंट नहीं है। अप्रोप्रिएट एनवायरमेंट का मतलब है सभी सिग्नल्स और डिफरेंशिएटिंग साइटोकाइंस, पोलराइजिंग साइटोकाइंस यदि इस एनवायरमेंट में प्रेजेंट नहीं है, ऐसी कंडीशन में यदि बी और टी लिम्फोसाइट एंटीजन रिकॉग्नाइज करते हैं तो जनरली उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, जो सेकेंड सिग्नल्स होते हैं ना केवल ये इनके एक्टिवेशन इनके डिवीजन को ट्रिगर करते हैं बल्कि इनको एपोप्टोसिस से भी प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यदि सेकेंड सिग्नल नहीं मिलेगा तो ऐसी कंडीशन में ये सेल सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे जो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन से BCL2, BCLXL या BCLW जैसी प्रोटीन वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे और उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो एनर्जी को इंड्यूस करने के लिए कौन से सिग्नल्स को डिलीवर नहीं होने देना है, तो सेकेंडरी को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स को डिलीवर नहीं होने देना है। तो टी सेल और बी सेल के लिए अलग अलग सिग्नल्स हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ गए होंगे। कोई समस्या इसमें, तो एनर्जी कैसे इंड्यूस की जाएगी, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए हैं। तो पेरिफेरल जो टॉलरेंस है उसमें पहला केस हम लोग किसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑटो रिएक्टिव सेल्स हैं तो उन्हें हम एक्टिवेट ना होने दें। एनर्जिक बी सेल कैन नॉट बी एक्टिवेटेड टू प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट इन एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल्स अपॉन एंगेजमेंट ऑफ देयर BCR। ठीक है, लाइकवाइज एनर्जिक टी सेल्स कैन नॉट बी एक्टिवेटेड टू प्रोलिफरेट एंड सिक्रीट साइटोकाइंस फॉलोइंग लाइगेशन ऑफ देयर TCR विद एंटीजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्फ MS। अर्थात जो एनर्जिक सेल्स हैं जिनको सेकेंड सिग्नल नहीं मिल रहा है, यदि वो एंटीजन के साथ बाइंड भी हो रहे हैं तो ना तो वो एक्टिवेट हो पाएंगे ना ही वो डिवाइड कर पाएंगे और इफेक्टर मॉलिक्यूल्स भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। इसी को हम एनर्जिक कंडीशन कहते हैं। अर्थात सेल्स हैं लेकिन वो अपने जो सेल्फ एंटीजन है उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद एक्टिव नहीं हो पाए क्योंकि उनको सेकेंड सिग्नल नहीं मिला। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो एनर्जिक कंडीशन का मतलब है सेल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये भी तो बनता है कि रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि बस नहीं कर रहे हैं, जैसे वो फॉग का एड आता है कि क्या चल रहा है, बोले बस फॉग ही चल रहा है, यही बोलते हैं ना। तो क्यों नहीं हो रहा है इसको आप ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ा जाए अभी इसको और भी आप बेहतर तरीके समझ जाएंगे। जब हम लोग टी रेगुलेटरी सेल के फंक्शन को रखेंगे तो आप इसको और समझ जाएंगे कि इस तरह के जो रिस्पॉन्स है एनर्जिक रिस्पॉन्स है इंड्यूस किसने कर दिया। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं, रेगुलेटरी टी सेल। तो एक तो एनर्जिक कंडीशन है, एनर्जिक कंडीशन और भी इंड्यूस हो जाती है। कई बार जब मैंने इम्यूनोलॉजी में बी सेल और टी सेल का डिस्कशन किया तो कभी कभी मैंने जनरल तरीके से बताया कि कोई बहुत ही अति उत्साही सेल है, टी सेल है या बी सेल है, जो बहुत जल्दी से एंटीजन को इनकाउंटर कर लेते हैं तो उनको भी मरना पड़ता है,
वो भी सरवाइव नहीं कर पाते, जनरली ऐसा बोला। ठीक है, तो आप सभी लोग ये भी जानते हैं डेंड्राइटिक सेल्स मोस्ट इफेक्टिव एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, और यही वो सेल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूटिवली को स्टिमुलेटरी सिग्नल को एक्सप्रेस करते हैं, अर्थात सेकेंड सिग्नल डिलीवर कर सकते हैं। इसके बाद जो बी लिम्फोसाइट्स हैं या फिर मैक्रोफाजेस हैं, ये भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, लेकिन ये इफेक्टिव एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स नहीं है, ये सेकेंडरी को स्टिमुलेटरी सिग्नल को एक्सप्रेस नहीं करते। ठीक है, तो जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, और प्रोफेशनल का मतलब है ये वेल एजुकेटेड हैं, इन्हें को पता है कि मुझे एंटीजन को कैसे कैप्चर प्रोसेस करना और प्रेजेंट करना है, और ये कैसे हैं, नौसिखिए हैं। तो ये नौसिखिए लेकर के एंटीजन पहुंच गए तो क्या डिलीवर नहीं कर पाएंगे, सेकेंड सिग्नल। आप जान करके खुश हो जाएंगे कि जो हमारी नेव टी सेल्स होती हैं, ठीक है, मतलब प्रॉपरली एजुकेटेड मैच्योर टी सेल्स हैं, वो ऑटो रिएक्टिव नहीं है, उनमें भी एनर्जी इंड्यूस हो जाएगी ये जो किसी नौसिखिए से एंटीजन एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि वो सेकेंड सिग्नल उनको दे नहीं पाएंगे, तो वो भी बेचारे किसमें चले जाएंगे, एनर्जिक में। वो सेल्फ रिएक्टिव नहीं थे फिर भी किसमें चले गए, एनर्जिक में, नॉन रिस्पॉन्सिवनेस कंडीशन में चले जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब जो टी सेल और बी सेल एक्टिवेशन है उसमें ये भी ध्यान रखा गया कि कोई अनयूजुअली एक्टिवेशन ना हो, प्रोफेशनल सेल ही क्या करें एक्टिवेशन इंड्यूस करें, तो कम से कम जो एक्टिवेशन या प्रॉपर जो एक्टिवेशन का जो मैकेनिज्म है वो इंश्योर कर लिया जाए। ठीक है, उसी से रिलेटेड हम लोग किसको लेकर के आ रहे हैं, जो पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन हैं। आप सभी लोग टीएच सेल के बारे में काफी फेमिलियर हैं कि टीएच सेल हेल्पर सेल्स हैं, और ये अपने आप को कई अलग अलग सेल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप टीएच सेल का एक्टिवेशन पढ़ रहे थे तो उसमें आपने स्टडी किया कि ये अपने आप को बदल सकते हैं TH1 में, TH2 में, TH17 में, ठीक है, देन TH पॉलिकुलर हेल्पर सेल में, एंड देन टी रेगुलेटरी सेल में। कुछ इस तरह की मेजर पॉपुलेशन में हम लोगों ने इनको डिवाइड किया, इसमें तो डिवाइड किया था। तो देखो टी एच सेल, टी हेल्पर सेल केवल हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, बल्कि रेगुलेटरी टी सेल्स हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में प्रेजेंट हैं, और वो इंश्योर करते हैं कि सेल्स का, हमारे बी और टी लिम्फोसाइट्स का एक्टिवेशन फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट में ही हो, सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट में ना हो। ठीक है, कोई समस्या यहां पर? जैसे गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई पुल बनाया जा रहा है, तो वहां एक गवर्नमेंट का इंजीनियर होगा ना, वो लगातार इंश्योर करेगा कि जो काम है वो सही ढंग से चल रहा है, जो उसका, ठीक है, प्रॉपर जो जो फ्रेमिंग हुई थी, जो उसका नक्शा बनाया गया था उसी के अकॉर्डिंग तो काम हो रहा है, या जो बनाया वो बना दिया, ऐसा तो नहीं है। उसी तरह से जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ये डेडिकेटेड है इस काम के लिए कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आप ये चेक करते रहो कि कोई ऑटो रिएक्टिव सेल या कोई टी या बी सेल जो नॉर्मल है सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट में तो एक्टिव नहीं हो रहा है, यदि एक्टिवेट हो रहा है तो उन्हें क्या करो, इनहिबिट करो, उनके रिस्पॉन्स को न्यूट्रलाइज करो। ठीक है, इसका दूसरा मतलब ये है कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में बी और टी लिम्फोसाइट्स का एक्टिवेशन भगवान भरोसे नहीं छोड़ दिया कि कोई भी आए और एक्टिवेट हो जाए, और बाद में कह दे अब मैं क्या करूं, एंटीजन ही मिल गया, मैं एक्टिवेट हो गया, कौन सी सेल्स हैं। तो जब आप एग्जाम देने जाते हैं, सेंटर पहुंचते, जहां बनाया वहां बैठ गए, बताइए बैठ गए, और वहां तर्क देंगे कि मुझे ये सेंटर दिया गया है, और इस सेंटर में देखो सेंटर का नाम लिखा है, सीट का नाम नहीं लिखा है, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। यदि ऐसा था तो मुझे क्लासरूम और सीट का नाम और कौन वहां पर मिलेगा ये सारा लिख के देते, आपका केस नहीं होगा, क्योंकि वो रूल है, आप वहां जाएंगे तो दोबारा सीट क्या होगी, अलॉट। वहां पर भी तो कुछ लोग हैं, वो डिसाइड करेंगे कि आपको कहां बैठना है, किस रूम में बैठ, आप डिसाइड नहीं करेंगे। तो जब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में हमारे टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स
एक्टिव हो रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं कि कुछ भी मिल गया उनके एंटीजन रिसेप्टर के साथ वो इंटरेक्ट हो गया तो बस उन्होंने एक्टिवेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर लिया और ये तर्क दे दिया कि देखो हमारा जो रिसेप्टर है वो इसे रिकॉग्नाइज कर रहा है। नहीं, यदि वो रिकॉग्नाइज कर भी रहा है तो उनको चेक करने के लिए कौन है? रेगुलेटरी सेल्स। हम लोग इन सेल्स को डिस्कस कर रहे हैं सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स में जो पेरिफेरल टॉलरेंस है उसको इंश्योर करने के लिए कौन प्रेजेंट है और ये किसकी ब्रांचेस हैं या किसकी पॉपुलेशन है? टी सेल की। टीसी सेल की भी एक पॉपुलेशन एग्जिस्ट होती है, बहुत ज्यादा उनमें अभी पता नहीं है, कुछ चीजें हैं और उनको भी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं। तो हम लोग टी रेगुलेटरी सेल को डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है? तो टी रेगुलेटरी सेल्स हमारे पेरिफेरल ऑर्गन्स में, लिम्फाइड ऑर्गन्स में इंश्योर करते हैं कि कोई भी ऑटो रिएक्टिव सेल एक्टिवेट ना, ठीक है? तो ये टॉलरेंस को कहां पर इंश्योर करेंगे? प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स में या सेकेंडरी में? सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स में, ठीक है? कोई समस्या? अब इसको डिस्कस करने से पहले ये कैसे इंश्योर करेंगे, ये कैसे, क्या ये ऑटो रिएक्टिव सेल्स को धमकाएंगे, ये कह देंगे तुम्हें पास नहीं होने देंगे, तुम्हें फेल कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, ये चलेगा क्यों मनोज? या तुम्हारा घर गिरा देंगे बुलडोजर ला करके, ऐसा होगा? तो ये कैसे इनहिबिट करेंगे ऑटो रिएक्टिव, ऑटो इम्यूनिटी को इनहिबिट कैसे करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि टी रेगुलेटरी सेल्स जनरेट कैसे होते हैं, टी रेगुलेटरी सेल्स सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स में कैसे प्रोड्यूस हुए, इस केस को भी डिस्कस करेंगे। बिना केमिस्ट्री के सीएसआईआर निकल जाएगा? अरे केमिस्ट्री का अपना पेपर होता है भैया, केमिस्ट्री का अपना पेपर होता है और उसके बिना भी निकल जाएगा। आप लाइफ साइंस से अप्लाई कर दीजिए, फिजिक्स से अप्लाई कर दीजिए, मैथमेटिक्स में अप्लाई कर दीजिए, ये सारे पेपर में आप निकाल दोगे, बस केमिस्ट्री नहीं आएगी। थोड़ा जनरल एप्टीट्यूड और पढ़ लीजिएगा, फिजिक्स में केमिस्ट्री नहीं है, लाइफ साइंस में, लाइफ साइंस में लेकिन भाई साहब एक केमिस्ट्री है उसमें बायो लगा हुआ है। तो बिल्कुल, यदि आप केमिस्ट्री के हैं तो आप केमिस्ट्री से अप्लाई करना पड़ेगा। तो शुरुआत की जाए तो किसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? टी रेगुलेटरी सेल्स को, ठीक है? एक्टिंग इन सेकेंडरी लिम्फाइड टिश्यूज एंड एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, जहां पर इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है? अर्थात जो टिश्यू डैमेज हो रहे हैं उस एरिया में जो बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स या हमारी जो इम्यून सेल्स हैं पहुंच रहे हैं, वहां पर उनके एक्टिवेशन को सप्रेस किया जाएगा जिससे इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स कंटिन्यू ना हो और साथ साथ में सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स में जो ऑटो रिएक्टिव सेल्स हैं उनके रिस्पॉन्स को सप्रेस करेंगे रेगुलेटरी टी सेल्स, ठीक है? अब ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, पहला क्वेश्चन ये है। एक जो एक्टिवेशन का, इनके जनरेशन का जो तरीका है वो आप लोग एक पढ़ चुके हैं और उसमें जब हम लोग टीएच सेल का डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे थे तो शायद आपको याद आ रहा हो कि जब एक टीएच सेल एक्टिवेट होता है तो इन प्रेजेंस ऑफ इंटरलिक्विन 12 एंड आईएफएन गामा डिफ्रेंसिएट हो जाता है टीएच 1 सेल, इंटरलिक्विन 4 की प्रेजेंस में डिफ्रेंसिएट हो जाता है टीएच 2 में। उसी तरह से टीएच 17 था और टीएच टी रेगुलेटरी था, वैसे आपको याद नहीं होगा। जो टी रेगुलेटरी सेल्स हैं, टी रेगुलेटरी सेल हैं, देखो जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया इस केस को, यहां पर देखिए ये डिस्कशन तभी शुरू किया था टीएच सेल का डिफरेंशिएशन जब इसको दोनों सिग्नल मिल गए थे, ठीक है? और तीसरा सिग्नल जो था वो कौन था? पोलराइजिंग साइटोकाइंस, पोलराइजिंग साइटोकाइंस की प्रेजेंस में एक्टिवेटेड टीएच सेल अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेते हैं किसी भी एक टाइप की फैक्टर सेल में, उसमें भी कौन आते हैं? इसका मतलब ये जो जनरेशन है टी रेगुलेटरी सेल्स का वो सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स में है आफ्टर एंटीजेनिक चैलेंज। जब एक टीएच सेल को एंटीजेनिक चैलेंज मिला तब उसने अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया किसमें? टी रेगुलेटरी सेल में। तो ये टी रेगुलेटरी सेल कहां प्रोड्यूस हुए? सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में प्रोड्यूस हुए। और किसके बाद? एंटीजेनिक चैलेंज के बाद टीएच सेल ने अपने आप को क्या किया?
डिफरेंशिएट किया, तो ये तो आप तो पढ़ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन, टी रेगुलेटरी सेल का जनरेशन कहाँ होगा? एग्जामिनर कहेगा कि हमेशा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, जब थाइमस में टी सेल का मैचुरेशन चल रहा है उस समय होगा, या वो कहेगा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में होगा जब एक टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा इन रिस्पॉन्स टू रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन, एंटीजन रिकॉग्निशन के रिस्पॉन्स में। इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो आपने ये टॉपिक पहले से पढ़ रखा है और मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन टी रेगुलेटरी सेल्स हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में भी जनरेट हो सकते हैं और होते हैं। किसमें होते हैं? प्राइमरी अर्थात जो टी रेगुलेटरी सेल्स हैं वो हमारे थाइमस में भी प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग टी सेल मैच्यूरेशन। टी रेगुलेटरी सेल्स, ठीक है, हम लोग टी रेगुलेटरी कैन जनरेटेड इन, कोई ऐसा एक इवेंट होगा जिसमें, ठीक है, इनको ये डाइवर्ट हो जाएंगे रेगुलेटरी सेल में। और दूसरा कौन है? पेरीफेरी। पेरीफेरी को भी हम लोगों डिस्कस किया, जनरेटेड फ्रॉम नेम टी सेल ड्यूरिंग एक्टिवेशन, दीज सेल्स आर आल्सो कॉल्ड इंड्यूस्ड। तो देखो यहां पर लिखा है टी रेगुलेटरी, लिखा है ना, इसके आगे यदि हम क्या लगा देंगे आई, तो ये क्या हो गया? इंड्यूस्ड। तो जब इस तरह से लिखा जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, ये प्रोड्यूस हुए सेकेंडरी, जो हम टी एच सेल का डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं उस डिफरेंशिएशन के थ्रू टी रेगुलेटरी सेल्स आते हैं, उन्हें इंड्यूस्ड टी रेगुलेटरी सेल्स। जो थाइमस में प्रोड्यूस होते हैं इनको हम लोग नेचुरल टी रेगुलेटरी सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल। तो देखो ये दो सब पॉपुलेशन हो गई किसकी? टी सेल्स की। एक है इंड्यूस्ड और दूसरा है नेचुरल। तो आपको ध्यान रखना है रेगुलेटरी सेल्स की, जो अभी तक इस लेवल में कोई क्वेश्चन गए नहीं है लेकिन पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, जनरेटेड फ्रॉम थाइमोसाइट्स ड्यूरिंग नेगेटिव सेलेक्शन, दीज सेल्स आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल। ठीक है, अब बात पुरानी है लेकिन फिर भी थोड़ा बात तो करनी पड़ेगी। जब टी सेल का मैच्यूरेशन हो रहा था तो वो डबल निगेटिव थे, चार डबल निगेटिव स्टेज से गुजरे, डीएन वन, डीएन टू, डीएन थ्री और फोर। इतना याद रखो, है तो बहुत कुछ, मैं पूछ भी सकता हूं लेकिन मैं ज्यादा तुम्हें दुख नहीं देना चाहूंगा। इसके बाद फिर आपने देखा वो डबल पॉजिटिव में आए, ठीक है, डबल पॉजिटिव में आने के बाद वो मैच्योर हुए और मैच्योर होने के बाद फिर वो सिंगल पॉजिटिव में, ठीक है, डिफरेंशिएट हुए, या तो उन्होंने अपने सीडी फोर मार्कर के एक्सप्रेशन को डाउन रेगुलेट किया या फिर सीडी एट। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि हमारी थाइमस में जब इमेच्योर थाइमोसाइट्स आते हैं तो वहां पर कोई अलग अलग सब पॉपुलेशन नहीं आती है कि ये टी एच सेल की पॉपुलेशन है, ये टीसी की है, ये टी रेगुलेटरी सेल की पॉपुलेशन है और ये टी गामा डेल्टा की पॉपुलेशन है। ऐसी अलग अलग सेल नहीं आती बोन मैरो से, बोन मैरो से सभी प्रिकर्सर सेल्स एक जैसे आते हैं। यदि हम टी गामा डेल्टा को अलग कर दें, ठीक है, आपको शायद याद आ रहा हो इसको हम लोगों ने डाइवर्ट कर लिया था, गामा डेल्टा टी सेल लिख रहे थे, ठीक है, यदि हम इसे अलग कर दें तो टीएच और टीसी में तो लास्ट समय उनको फैसला करना है कि टीएच में डिफरेंशिएट होना है या टीसी में, जब सारा मैच्यूरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यही हुआ ना। तो फिर ये कैसे डिसीजन होगा कि किसको रेगुलेटरी नेचुरल रेगुलेटरी सेल में कौन जाएगा? ठीक है, तो जो सेल निगेटिव सेलेक्शन में, पहले पॉजिटिव सेलेक्शन में, ठीक है, जो क्वालिफाई हुए, देन निगेटिव सेलेक्शन में जो क्वालिफाई हो गए, देन वो फिर फैसला करते हैं टीएच या टीसी का। ठीक है, और कुछ मॉडल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि वो टीएच में जाएंगे या टीसी में जाएंगे, बदल जाते हैं। तो यहां पर ये तीसरा सब पॉपुलेशन कैसे क्रिएट हो जाएगा, इसके लिए फैसला कैसे होगा? तो ये बड़ा आसान तरीका है, ठीक है, बहुत कुछ नोन नहीं है लेकिन कुछ साइंटिफिक इविडेंस ये बताते हैं कि कैसे टीएच और टीसी में डिफरेंशिएट होना है। देखो ये क्या है, थाइमोसाइट है, जिनकी एफिनिटी सेल्फ एमएचसी एंटीजन से ज्यादा है उनकी क्या हो गई? एपोप्टोसिस। जो सेल्फ रिएक्टिव है वो क्या हो गए? किल कर दिए गए। जो सेल्फ रिएक्टिव नहीं थे वो किसमें चले गए?
मैच्योरिटी सेल में अर्थात टीएच या टीसी में, यही तो हुआ। और इधर देखो कौन है, तो ध्यान से समझो, जिन थाइमोसाइट्स की एफिनिटी एमएचसी एमएचसी और सेल्फ कंपाउंड या सेल्फ एमएचसी मॉलिक्यूल से कम है। तो मैं थोड़ा सा, जब मैच्यूरेशन का प्रोसेस चल रहा था, पॉजिटिव सिलेक्शन और जो नेगेटिव सिलेक्शन की स्टेजेस हैं उनको दो लाइन में डिस्कस कर देता हूं, समझ जाएंगे। तो जब पहला सिलेक्शन हुआ उसे हम लोग क्या नाम दे रहे थे, पॉजिटिव सिलेक्शन। जिन मैच्यूरेटिंग टी लिम्फोसाइट्स ने सेल्फ एमएचसी मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज कर लिया वो पॉजिटिवली सेलेक्टेड हो गए। केवल रिकॉग्निशन करना था, कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश कर लिया तो पॉजिटिवली सेलेक्ट हो गए, और जो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए उन्हें एलिमिनेट कर दिया। यही तो हुआ ना, पॉजिटिवली सेलेक्टेड सेल्स को किसमें ले जाते हैं, नेगेटिव सिलेक्शन। ठीक है, नेगेटिव सिलेक्शन में जिन मैच्यूरेटिंग टी सेल्स ने सेल्फ एमएससी मॉलिक्यूल्स को मजबूती के साथ रिकॉग्नाइज किया, उनके साथ हाई एफिनिटी से इंटरेक्शन किया, उन्हें क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। उसे क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। किसको एलिमिनेट किया, जिनकी एफिनिटी कम थी या ज्यादा थी, ज्यादा थी। तो ये जो टी सेल मैच्योर होकर के आ रहे हैं इनकी एफिनिटी सेल्फ एमएचसी मॉलिक्यूल के लिए लो है या ज्यादा है, लो है, यही तो हुआ ना। और जिनकी एफिनिटी ज्यादा थी उनको क्या कर दिया, ठीक है ध्यान रखेंगे। तो एक एफिनिटी है जो क्रिटिकल लेवल से लो है वो मैच्योर होंगे, एक एफिनिटी है जो क्रिटिकल लेवल से ज्यादा है तो क्या होंगे, अरे तीसरा ऐसे भी हो सकते हैं, बीच वाले भी हो सकते हैं, जिनकी एफिनिटी बहुत लो भी नहीं है और बहुत, वही सेल्स किसमें बदल जाते हैं। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए होंगे नेचुरल टी सेल, ठीक है, टी रेगुलेटरी सेल का फैसला कैसे हो जाएगा। जिनकी एफिनिटी मॉडरेट लेवल की है अर्थात क्रिटिकल लेवल से लो भी नहीं है, ऐसे, ठीक है, जो टी सेल्स होते हैं वो, जब ये देखो, जब हम लोग डेवलपमेंटल प्रोसेस पढ़ते हैं तो वहां पर आप मॉर्फोजेंस को पढ़ते हो ना, कंसंट्रेशन कम है, ज्यादा है, नहीं है, तो अलग अलग सेट ऑफ जीन एक्टिव होते हैं, ठीक है, अलग अलग सेट ऑफ जीन्स क्या होंगे, एक्टिव होंगे। यहां पर समझिए, ड्यूरिंग मैच्यूरेशन ये टी सेल है और इसका ये क्या है, टीसीआर। यदि ये हाई एफिनिटी से इंटरेक्ट करता है तो यही टीसीआर इंटरेक्शन एपोप्टोसिस को ट्रिगर करता है। मैं बहुत सामान्य शब्दों में समझा रहा हूं, जब यही इंटरेक्शन क्रिटिकल लेवल की जो एफिनिटी है उससे लो लेवल में होगा तो इसके मैच्यूरेशन को अर्थात अगले स्टेज की, ठीक है, डिफरेंशिएशन को स्टिमुलेट करेगा। और यदि यही इंटरेक्शन मॉडरेट लेवल का है तो ये डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन को स्टिमुलेट करेगा अर्थात रेगुलेटरी सेल्स के फॉर्मेशन को ट्रिगर करेगा। अर्थात ये जो इंटरेक्शन है वो किस पर डिपेंड है, एफिनिटी पर। क्यों डिपेंड है, कि जब ये मॉडरेट लेवल की एफिनिटी होती है, ठीक है, मॉडरेट लेवल की एफिनिटी होगी तो ये एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जिसे फॉक्स P3 कहते हैं इसके एक्सप्रेशन को इंड्यूस करता है, इसके एक्सप्रेशन को। और यही एक क्रिटिकल ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है जो टी रेगुलेटरी सेल को डिफरेंशिएट कराता है। दूसरे शब्दों में कह दूं, जो टी सेल्स इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्सप्रेशन स्टार्ट करेगा वही टी रेगुलेटरी सेल में डिफरेंशिएट, ध्यान रखोगे, ठीक है। और ये कब एक्सप्रेस होगा, जब वो इंटरेक्शन अर्थात जो एफिनिटी है इंटरेक्शन की वो मॉडरेट, इस तरह से नेचुरल सेल्स प्रोड्यूस हो। थाइमोसाइट्स विद इंटरमीडिएट एफिनिटी फॉर एंटीजन्स एनकाउंटरिंग इन दी थाइमस अप रेगुलेट दी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर FOXP3, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है ध्यान रखिएगा, ठीक है, एंड बिकम नेचुरल रेगुलेटरी सेल्स, ठीक है, विच आर रिलीज इन टू दी पेरीफेरी, और ये पेरीफेरी में चले जाएंगे। तो एक नेचुरली प्रोड्यूस हुए और एक बताइए इंडक्शन के बाद, आर्टिफिशियली नहीं बोल देना कि नेचुरली और आर्टिफिशियली। चलिए यहां पर आते हैं, कौन सा सेल ने पेरिफेरल इंड्यूस द टी रेगुलेटरी सेल, जो पेरिफेरल टिश्यूज में ऑर्गन्स में जनरेट होते हैं। तो एंटीजन प्रेजेंटेशन हुआ, टीएसएल का एक्टिवेशन हुआ, टीएसएल जब एक्टिवेट होते हैं तो उस एक्टिवेशन के समय वहां साइटोकाइंस कौन से हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो रेगुलेटरी सेल में डिफरेंशिएट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए इंटरल्यूकिन 2 टीजीएफ बीटा, और देखा जाए स्पेसिफिकली हम लोग किसका नाम लेते रहते हैं, टीजीएफ बीटा,
तो जब आप टी रेगुलेटरी सेल का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो एक ही साइटोकाइन के बारे में मैंने आपसे कहा था कि इसको ध्यान रखना, टीजीएफ बीटा। ठीक है, कोई समस्या? इंटरल्यूकिन 6 और टीजीएफ बीटा होगा तो फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स में शायद याद आ रहा हो, किसमें? फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स, अरे सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स में फॉलिकल्स होते हैं ना, वहां पर जरा देखिए सभी लोग। ये एक हमारी नॉर्मल टी सेल है, ठीक है, नेप टी सेल है। नेप टी सेल का मतलब है वो सेल्स जिन्होंने अभी तक एंटीजन को इनकाउंटर नहीं किया है। तो ये हमारी एक टीएस सेल है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने इसे क्या प्रेजेंट किया? एंटीजन। इसको दोनों सिग्नल मिलते हैं, नॉर्मली एक्टिवेट हुआ। ये नॉन सेल्फ एंटीजन है, सेल्फ एंटीजन नहीं, नॉर्मली एक्टिवेशन हो रहा है, एक्टिवेशन हुआ। और ये टी सेल इंटरल्यूकिन 2 को क्या कर रहा है? इस एक्सप्रेशन स्टार्ट करता है, डिवीजन में जाता है। तो जहां पर इसका डिवीजन हो रहा है, एक्टिवेशन हुआ है, यदि उस एनवायरमेंट में कौन प्रेजेंट है? टीजीएफ बीटा। जिस एनवायरमेंट में, जिस सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में किसका एक्टिवेशन हुआ है? टीएच सेल का। उस एनवायरमेंट में कौन प्रेजेंट है? टीजीएफ बीटा। तो क्या होगा बताइए? ये डिफरेंशिएट हो जाएगा किसमें? टी रेगुलेटरी सेल्स में। ऐसी रेगुलेटरी सेल्स को इंड्यूस्ड टी रेगुलेटरी सेल्स बोलेंगे। ये समझ में आ रहा है? ये नेचुरल नहीं, नेचुरल में तो हम लोगों ने कहा कि जिसके टीसीआर की एफिनिटी इंटरमीडिएट है वो रेगुलेटरी में डिफरेंशिएट हुआ। ठीक है, नेव टी सेल कैन बी इंड्यूस्ड टू एक्सप्रेस एंड एक्वायर रेगुलेटरी फंक्शन। ठीक है, हम लोग इसको इस वजह से कहते हैं, टीजीएफ बीटा को इस वजह से कहते हैं क्योंकि केवल एक फैक्टर नहीं है यहां पर। जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो कई फैक्टर्स को लिखेंगे, कई फैक्टर्स को देखेंगे जो एक नेव टी सेल के डिफरेंशिएशन को इंड्यूस कर सकता है रेगुलेटरी सेल। ठीक है, टीजीएफ बीटा को हम लोग इतना क्यों लिखते हैं? एक तो आपके सामने एक क्वेश्चन भी हो जाता है जब हम TH1, TH2, TH17 जैसी सेल का डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो टी रेगुलेटरी सेल का भी डिफरेंशिएशन होता है, और उन डिफरेंशिएशन के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? साइटोकाइंस। तो हमें ये भी क्लियर करना होता है कि रेगुलेटरी सेल के लिए साइटोकाइन कौन है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है मत कह दीजिएगा कि ABCD सर लिखी हुई कुछ आपने आगे पीछे लिख दिया है। तो गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जितने भी हमारे म्यूकोसल सर्फेसेस हैं वहां से पैथोजन की एंट्री, ठीक है, वो ऐसी साइट से जहां से पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन म्यूकस मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे हमारे लूजली सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज होते हैं, जिन्हें हम लोग म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड ऑर्गन्स कहते हैं ना। यदि हम गट जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की म्यूकोसल सरफेस है उसके नीचे की एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यूज को देखें तो वहां पर टीजीएफ बीटा का लेवल ज्यादा होता है। किसका ज्यादा होता है? ठीक है, तो जैसे हम लोग खाना भी खा रहे हैं, बहुत सारा फूड प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो यदि उन फूड प्रोडक्ट के, वो भी तो फॉरेन है, जो फूड आ रहा है वो भी कौन है? फॉरेन ही तो है भाई। हम एनिमल ओरिजिन का, दूसरे एनिमल के ओरिजिन का और या प्लांट ओरिजिन का जो फूड ले रहे हैं वो भी तो बॉडी में आ रहा है। पर आप सभी लोग जानते हैं बहुत अलग अलग तरह के फूड्स के अगेंस्ट में एलर्जी डेवलप हो जाती। यदि यहां पर इन फूड में प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड या जो मॉलिक्यूल्स हैं जब वो सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स इन म्यूकोसल एसोसिएटेड टिश्यूज में पहुंचेंगे तो वहां पर प्रेजेंट लिम्फोसाइट्स भी तो उनको रिकॉग्नाइज करके एक्टिव हो सकते हैं। तो यदि वो एक्टिव हो गए तो लगभग हर तरह के फूड के अगेंस्ट में धीरे धीरे क्या डेवलप हो जाएगी? एलर्जी। खाना मुश्किल हो जाएगा, खाएंगे क्या? रोज तो नया खाओगे नहीं, यही तो होगा ना। तो जितने भी म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यूज हैं वहां रेगुलेटरी सेल्स का जो नंबर है कंपैरिजन टू इंटरनल लिम्फाइड ऑर्गन से ज्यादा होता है। ठीक है, और ये दो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करता है। पहला, तो यहां पर यदि रेगुलेटरी सेल्स का नंबर ज्यादा है
तो ये इंश्योर किया गया कि एबनॉर्मली हमारी सेल्स एक्टिव ना हो, जो भी एलर्जन आ रहे हैं या फूड कंपोनेंट आ रहे हैं उनके अगेंस्ट में उनका एक्टिवेशन ना हो, ठीक है। और दूसरा आप देख रहे हैं कि चाहे वो अस्थमा हो, चाहे एलर्जिक राइनाइटिस हो, ये भी तो म्यूकोसल एसोसिएटेड एलर्जीज हैं। टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी में बहुत सारी एलर्जीज पड़ी ना, तो ये भी प्रॉब्लम तो आती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो रहा है, एबनॉर्मली एक्टिवेट हो रहा है, एबनॉर्मली सेल्स एक्टिवेट हो रही, ठीक है। तो यहां पर किसका लेवल ज्यादा है, तो जब सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया तो टीजी अब बीटा मिला। ऐसा क्या है कि जो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यूज है वहां पर टी रेगुलेटरी सेल्स का नंबर ज्यादा है, और यहां पर जनरली जो फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं या इन्वायरमेंटल एजेंट्स आ रहे हैं उनके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स डेवलप नहीं होता है, वो रेयरली होता है। और जो इंटरनल हमारे लिम्फाइड ऑर्गन्स हैं वहां पर क्या टीजी या बीटा का लेवल उतना ही या कम है, तो देखा गया वहां कम है। बाद में और स्टडी किया गया तो पता चलता है कि ये फैक्टर हमारी टीएच सेल को इंड्यूस करता है कि वो डिफ्रेंशिएट हो जाए किसमें, टी रेगुलेटरी। और जब ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं तो इंश्योर करते हैं कि कोई भी एबनॉर्मल एक्टिवेशन ना हो, ठीक है। यही कारण है कि बहुत सारा, हम सभी लोग तो एलर्जिक नहीं है, ऐसा तो नहीं एनवायरनमेंट में धूल उड़ रही है बहुत सारे, ठीक है, डस्ट पार्टिकल भी आ रहे हैं, प्लांट से भी बहुत सारे वोलेटाइल कंपाउंड लगातार रिलीज हो रहे हैं। आप किसी जो है ऐसी जगह चले जाएं जहां पर बहुत सारे प्लांट हैं, अलग अलग प्लांट हैं, उनके भी तो प्रोडक्ट एनवायरनमेंट में, तो क्या एलर्जी डेवलप हो जाती है, होना चाहिए जब बॉडी में आ रहे हैं, तो क्यों नहीं डेवलप हो रही, इसका मतलब हमारा इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं उन्हें टॉलरेट कर रहा है, ठीक है। तो कौन है, किसको स्टिमुलेट किया बताइए, फॉक्स P3 अर्थात टीजी या बीटा जब एक्ट करता है तो स्टिमुलेट करता है एक्सप्रेशन ऑफ फॉक्स P3। और ये जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है, की रेगुलेटर है डिफरेंशिएशन का, किसमें, टी रेगुलेटरी में। और रेगुलेटरी क्या बनाते हैं, इंटरल्यूकिन 10 और टीजी या बीटा, और आपको आप इन्हीं को इम्यूनो सप्रेसिव कहते हैं। और यही तो है जो हमारी जो दूसरी नॉर्मल बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं उनके एक्टिवेशन को सप्रेस करते हैं, इस तरह से ये सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। फैक्टर्स दैट फेवर द डेवलपमेंट ऑफ इंड्यूस्ड टी रेगुलेटरी सेल्स इंक्लूड द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन साइटोकाइंस जैसे टीजी या बीटा ड्यूरिंग एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। दूसरा कौन है, क्रॉनिक लो डोज ऑफ एंटीजन एक्सपोजर, लैक ऑफ को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स। ये वो फैक्टर्स हैं जो टी रेगुलेटरी सेल्स के डिफरेंशिएशन को फेवर करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि रेगुलेटरी सेल्स प्रोड्यूस कैसे हो, तो पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन में इस साइटोकाइन की प्रेजेंस में एक्टिवेटेड टी सेल का डिफरेंशिएशन हो जाता है टी रेगुलेटरी सेल, ठीक है। टी रेगुलेटरी सेल सिक्रीट करते हैं साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 10 और टीजीएफ बीटा। जिन लोगों ने एक्टिवेशन डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है वो ध्यान रखें, टी रेगुलेटरी सेल, टीएच सेल का फंक्शन क्या है, साइटोकाइन सिक्रीशन, प्राइमरी फंक्शन क्या है, साइटोकाइन। और ये साइटोकाइन इम्यूनो सप्रेसिव होते हैं, हमारी दूसरी इम्यून सेल्स के एक्टिवेशन को सप्रेस करते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं, दो क्वेश्चन को शुरू किया था, पहला टी रेगुलेटरी सेल्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं और दूसरा टी रेगुलेटरी सेल्स ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को कैसे सप्रेस करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, बताइए तो क्या लिखा हुआ है, टी रेगुलेटरी सेल्स मीडिएटेड इनहिबिशन ऑफ, जो टी रेगुलेटरी सेल्स हैं वो एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, वो कैसे इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देते हैं जो सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट में, ठीक है। कोई समस्या, देर आर टू कॉमन मैकेनिज्म बाई विच टी रेगुलेटरी सेल्स इनहिबिट इम्यून रिस्पॉन्सेस, अर्थात ऑटो रिएक्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेस को दो तरीके से वो इलिमिनेट कर सप्रेस करते हैं। कैसे सप्रेस करते हैं, पहला तो है किलिंग एपीसीज और इफेक्टर टी सेल्स, ऐसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो नॉन प्रोफेशनल हैं, कैसे हैं, ठीक है, और वो अपने एंटीजन को सेल्फ प्रोटीन को ही प्रोसेस करके ले आए हैं, ऐसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को इलिमिनेट करना, उन्हें निकाल देना। तो जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ही नहीं होंगे तो टी सेल्स का एक्टिवेशन नहीं होगा, उन्हें किल कर देना। तो देखो टी रेगुलेटरी सेल का फंक्शन पढ़िए, टीएफ सेल का हम लोग प्राइमरी फंक्शन पढ़ते हैं, दे सिक्रीट साइटोकाइंस, और यहां पर आप देख पा रहे हैं ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाते हैं किसके साथ, एंटीजन
अरे भाई ये भी तो टी सेल ही तो है, टी रेगुलेटरी सेल है, एंटीजन को रिसीव करेंगे, और जब नॉन प्रोफेशनल से रिसीव करते हैं तो बुलाते हैं आ जाओ भाई साहब, मुस्कुराते हुए आते हैं, फिर उन्हीं को किल कर देते हैं, खत्म कर दिया काम। ये समझ में आ रहा है? और दूसरा क्या है, अभी आपने पढ़ा साइटोकाइन सिक्रीट करते हैं, दूसरा क्या है इनहिबिशन ऑफ जो दूसरी बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं या जो नॉन एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स की सेल्स हैं, इनेट इम्यूनिटी की सेल्स हैं, उनको भी सप्रेस करते हैं, उनके हाइपर एक्टिवेशन को सप्रेस करते हैं दो तरीके से, एक साइटोकाइन सिक्रीट करके और दूसरा ऑटो रिएक्टिव सेल्स को इलिमिनेट करके, उन्हें किल करके। कोई समस्या? CD4 टी रेगुलेटरी सेल्स हैव बीन शोन टू इनहिबिट इम्यून रिस्पॉन्स बाय किलिंग एपीसीज और इफेक्टर टी सेल्स डायरेक्टली मींस ऑफ चिगे ग्रेनजाइम एंड परफोरिन। आप सभी लोग जो किलिंग मैकेनिज्म है उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, यहां पर जरा ध्यान दें। जैसे ये एक टी रेगुलेटरी सेल है, मैं इसको यहां पर रेगुलेटरी सेल लिख देता हूं, ठीक है। यदि ये रेगुलेटरी सेल है और ये एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जो सेल्फ एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है, तो रेगुलेटरी सेल अपने टीसीआर से क्या करेगा, सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। रिकॉग्नाइज करने के बाद इन सेल्स पर क्या रिलीज करना शुरू कर देगा बताइए, परफोरिन और ग्रेनजाइम। परफोरिन और ग्रेनजाइम इंटर करेंगे सेल के अंदर और इस सेल में एपोप्टोटिक प्रोग्राम को क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब एक फंक्शन आप ये समझ पा रहे हैं कि टी रेगुलेटरी सेल्स हमारे सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स में ऐसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो प्रोफेशनल नहीं है और एबनॉर्मली हमारे ही एंटीजन को प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको सर्च करके इलिमिनेट कर देते हैं और इस तरह से इंश्योर करते हैं पेरिफेरल टॉलरेंस। ये ध्यान रखो, कोई समस्या यहां पर, ठीक है। दूसरा क्या है, जब ये सेल्स एक्टिव होते हैं दे स्टार्ट सिक्रीशन ऑफ साइटोकाइन। ये किसके सिक्रीशन को स्टार्ट करते हैं, साइटोकाइन सिक्रीशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टी रेगुलेटरी सेल्स में आल्सो मॉड्यूलेट द फंक्शन ऑफ अदर सेल्स रिस्पॉन्डिंग टू एंटीजन बाय सरफेस रिसेप्टर एंगेजमेंट, ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे एंगेजमेंट में क्या है। और साइटोकाइंस जरा देखो कौन कौन से हैं, इंडोल अमाइन 2,3 डाइऑक्सीजनेज, एक ये फैक्टर है और ये आप पहले से ही जानते हैं इन साइटोकाइंस के थ्रू। साइटोकाइन क्या है, सोल्यूबल फैक्टर है, साइटोकाइंस सोल्यूबल फैक्टर है। सोल्यूबल फैक्टर का मतलब है उस एरिया में जहां जहां सेल्स होंगी उन पर एक्ट करेंगे, उन्हें क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे। तो यदि किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में यदि इंफ्लेमेशन चल रहा है, यदि टी रेगुलेटरी सेल्स वहां पहुंचते हैं तो उस इंफ्लेमेटरी एरिया में जितने भी बी और टी लिम्फोसाइट्स या दूसरे इम्यून सेल्स माइग्रेट करके आए हैं जैसे मैक्रोफाजेस या न्यूट्रोफिल्स, इन साइटोकाइन से उनको क्या करेंगे, सप्रेस कर लेंगे, ठीक है। लिमिटेशन नहीं है टी रेगुलेटरी सेल्स टी सेल्स है, और ये तो उन्हीं के अगेंस्ट में एक्टिव होंगे जो इन्हें एंटीजन प्रेजेंट करेगा। यदि ये साइटोकाइन सिक्रीट नहीं करेंगे तो उन सेल्स को कैसे सप्रेस कर पाएंगे जो इनको एंटीजन प्रेजेंट नहीं करते हैं। तो जो एंटीजन प्रेजेंट नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, यदि वो ऑटो रिएक्टिव है उन्हें सप्रेस कर लिया साइटोकाइंस के थ्रू, और जो एंटीजन प्रेजेंट कर रहे हैं ऑटो रिएक्टिव उन्हें तो सर्च करके इसे इनएक्टिवेट कर लिया। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई समस्या? यहां पर एक फैक्टर मैं आपके सामने और रख रहा हूं जो दूसरे, ये तो इलिमिनेशन का हो गया, ठीक है। टी रेगुलेटरी सेल्स यूज कॉमन मैकेनिज्म टू इनहिबिट लोकल इम्यून सेल्स, अर्थात जिस पर्टिकुलर एरिया में लोकल इंफ्लामेशन है, जैसे किसी की नी ज्वाइंट में इंफेक्शन हुआ है, इंफ्लामेशन ऑटो रिएक्शन चल रहा है, रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसा केस पढ़ते हो ना, वहां पर लोकली कैसे इनहिबिट किया जाए, ठीक है। तो क्या सिक्रीट करना है, दूसरा और केस हम लोग इसका डिस्कशन कर चुके हैं लेकिन फिर भी आप और भी समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगी। जब एक टी सेल एक्टिवेट होता है तो इसको एक्टिवेट होने के लिए दो सिग्नल्स की जरूरत है, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया। एक तो टीसीआर का एंगेजमेंट होगा तो पहला सिग्नल, यही हुआ ना,
और दूसरा कोस्टिमुलेटरी सिग्नल किससे मिलेगा, सीडी 28 से। इससे क्या मिल गया, जब टी सेल एक्टिवेट होते हैं दे स्टार्ट एक्सप्रेशन ऑफ CTLA-4। किसका एक्सप्रेशन स्टार्ट कर भाई, CTLA-4 क्या है, CTLA-4 क्या है, पढ़ चुके हैं आप लोग। तो CTLA-4 रिसेप्टर है जो B7 के साथ इंटरैक्ट करता है और ये इंटरैक्शन सप्रेस करता है टी सेल्स को, नेगेटिव रेगुलेटर है, यही तो पढ़ा था ना। तो कोई स्टिमुलेटरी सिग्नल कब डिलीवर होता है, जब CD28 किसके साथ इंटरैक्ट करता है, B7। लेकिन जैसे ही टी सेल एक्टिवेट होते हैं दे स्टार्ट एक्सप्रेशन ऑफ, बताइए किसका एक्सप्रेशन, CTLA-4। और ये जो CTLA-4 है ये किसके साथ इंटरैक्ट करता है, अर्थात एक टी सेल जो ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है वो एग्रेसिव ना हो जाए, उसके लिए किसका एक्सप्रेशन शुरू हो गया, CTLA-4। और ये CTLA-4 किसके साथ इंटरैक्शन, और जब ये इंटरैक्शन होता है तो इसके लिए इनहिबिटरी सिग्नल जनरेट होता है, कैसा सिग्नल, तो जब CTLA-4 का एक्सप्रेशन होने लगेगा टी सेल्स पर, तो यदि वो एंटीजन रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं तो उनका CTLA-4 B7 के साथ इंटरैक्ट करेगा, स्टिमुलेटरी सिग्नल की जगह पर इनहिबिटरी सिग्नल जनरेट हो सकता है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो टी सेल क्या करते हैं, रेगुलेटरी सेल किल भी कर देते हैं, साइटोकाइन भी प्रोड्यूस करते हैं, और दे आल्सो इंड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ CTLA-4 ऑन टी सेल्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, यदि कॉन्टैक्ट बनाते हैं ऑटो रिएक्टिव जो टी सेल्स हैं उनके साथ, तो क्या कर सकते हैं, CTLA-4 का ठीक है एक्सप्रेशन इंड्यूस करते हैं। टी रेगुलेटरी सेल्स एक्सप्रेस हाई लेवल ऑफ, ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ CTLA-4 ऑन टी रेगुलेटरी सेल विद CD20, CD80 एंड 86 ऑन APC, अर्थात जो एंटीजन प्रेजेंट, तो जब इनके साथ इंटरेक्शन करेगा तो यहां पर जो कैसा सिग्नल आएगा, इनहिबिटरी सिग्नल। तो फिर इसको इस तरह समझ दो, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं बहुत आसान है, यहां पर B7 और CD28 के इंटरेक्शन से स्टिमुलेटरी सिग्नल, कौन सा सिग्नल, और इस जगह पर इंटरेक्शन किसका हो गया और B7, तो कैसा सिग्नल, इनहिबिटरी। तो टी रेगुलेटरी सेल ने किसका एक्सप्रेशन शुरू किया, ठीक है, तो एपीसी इसको क्या कर रहे थे, किल कर रहे थे, यही कर रहे थे ना। अब जरा देखो क्या हो रहा है, ये भी तो एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, यदि इंटरेक्शन हुआ तो ये क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, इसका एंटीजन प्रेजेंटेशन भी खत्म हो गया, ठीक है। और दूसरी तरफ किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, सिक्रीशन साइटोकाइंस, दे स्टार्ट सिक्रीशन ऑफ साइटोकाइंस। साइटोकाइंस में जैसे इंटरल्यूकिन 10 है, TGF बीटा है, ये दोनों इम्यूनोसप्रेसिव है, ठीक है, जनरल ये हमारी बी और टी लिम्फोसाइट्स के एक्टिवेशन को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, दूसरी जो इम्यून सेल्स हैं उनको भी सप्रेस करते हैं। इंडोलामाइन 2,3 डाइऑक्सीजनेस, ये भी इनहिबिटर है, ये समझ में आ रहा है, तो ये पेरिफेरल सिस्टम में काम करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, पेरिफेरल टॉलरेंस में एक एनर्जी को डिस्कस किया, दूसरा टी रेगुलेटरी सेल्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं और टी रेगुलेटरी सेल काम कैसे करते हैं, तो टी रेगुलेटरी सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को किल कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें सप्रेस कर सकते हैं वाया CTLA-4, और ये जनरल साइटोकाइन इनहिबिटरी साइटोकाइन सिक्रीट करके हमारी लिम्फोसाइट्स और अदर इम्यून सेल्स की एक्टिविटी को भी सप्रेस करते हैं, पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। तीसरा केस एक और था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसका नाम लिया था एपोप्टोसिस एलिमिनेशन, नाम लिया था ना, जो ऑटो रिएक्टिव सेल्स होते हैं, ऑटो रिएक्टिव जो लिम्फोसाइट्स हैं, जनरली दे एक्सप्रेस फैसियल, किसका एक्सप्रेशन करते हैं, फैसियल का, सॉरी फैस, किसका एक्सप्रेशन करते हैं, और ये फैस रिसेप्टर क्या है,
जो फैस होते हैं ये साइटोसोलिक टेल पर एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ, फैड के साथ, फैस एसोसिएटेड डेथ डोमेन। जरा ध्यान से समझिएगा, जो हमारी ऑटो रिएक्टिव सेल्स हैं जो सेल्फ कंपोनेंट के अगेंस्ट में एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे सेल्फ रिएक्टिव सेल्स क्योंकि वो सेल्फ रिएक्टिव हैं, उनमें इस मैनर में चेंज आया है कि वो किसका एक्सप्रेशन शुरू करते हैं, फैसियल का। और जो हमारी किलर सेल्स होते हैं, किलर सेल क्या एक्सप्रेस करते हैं, किलर सेल एक्सप्रेस करते हैं फैसियल, ठीक है, ये केस समझ पा रहे हैं। तो जो हमारी किलर सेल्स हैं वो फैसियल का एक्सप्रेशन करते हैं और इस एक्सप्रेशन का जैसे ही फैस और फैसियल इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन के साथ ही ऑटो रिएक्टिव टी सेल का फैस रिसेप्टर साइटोसोलिक टेल पर किससे जुड़ा है, फैड के साथ, फैस एसोसिएटेड डेथ डोमेन। तो जैसे ही इंटरेक्शन हुआ ये फैड डोमेन क्या होता है, एक्टिव होता है और ये एक्टिव फैड एक्टिवेट कर देता है कैस्पेज 8 को। किसको, कैस्पेज 8, एपोप्टोसिस में आप लोगों ने पढ़ रखा, ठीक है, और ये कैस्पेज 8 किसे एक्टिवेट करता है, कैस्पेज 3 को, और कैस्पेज 3 ये इफेक्टर कैस्पेज है और ये सेल की डेथ कॉज का। इस तरह से पेरिफेरल टिश्यूज में ऑटो रिएक्टिव सेल्स की डेथ भी इंड्यूस कर दी जाती है वाया फैस एंड फैसियल इंटरेक्शन। अर्थात ऑटो रिएक्टिव सेल्स जो हमारे सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स में प्रेजेंट हैं, ना केवल उनको एनर्जिक स्टेट में रखा जाता है बल्कि उनका लगातार इलिमिनेशन भी होता है। इलिमिनेशन किलर सेल भी कर सकते हैं और रेगुलेटरी सेल्स भी कर सकते हैं। रेगुलेटरी सेल अदर मैकेनिज्म भी यूज करते हैं सेल्स को सप्रेस करने के, ठीक है, ये वो मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी में सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के लेवल पर ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स के एक्टिवेशन को सप्रेस कर रहे हैं और उनके इलिमिनेशन को इंश्योर करते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में प्राइमरली एम यही है कि ऑटो रिएक्टिव सेल्स को इलिमिनेट ही कर दिया जाए, ठीक है, ये वो मैकेनिज्म है जो ऑटो रिएक्टिव ऑटो जो इम्यूनिटी है उसको सप्रेस करते हैं। लेकिन फिर भी ऑटो रिएक्टिव जो सेल्स हैं वो कभी कभी एक्टिवेट होते हैं, सेल्फ टिश्यूज का डिस्ट्रक्शन करते हैं जिससे ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होती। तो ऑटो इम्यूनिटी रेयर है लेकिन प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे पास मैकेनिज्म है जिससे हम ऑटो रिएक्टिव सेल्स को इलिमिनेट करते हैं और उनके एक्टिवेशन को सप्रेस करते हैं, लेकिन हम परफेक्टली उनको इलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं और ना ही परफेक्टली उनका हम इम्यून सप्रेशन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यदि ये थोड़े भी बच जाते हैं, यदि बहुत फ्रैक्शन ऑफ चांस है, तब भी पॉपुलेशन में ऑटो इम्यूनिटी एग्जिस्ट होता है। तो जब हम ऑटो इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो इस केस को डिस्कस करेंगे कि जो हमारी ऑटो रिएक्टिव सेल्स थी वो कैसे एक्टिवेट हो गए और उन पर ये रेगुलेटरी सिस्टम एक्ट क्यों नहीं कर पाया, ये रेगुलेटरी सिस्टम उनके फंक्शन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया और वो क्यों एक्टिवेट हो गए, इस केस को जानेंगे। मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी ऑटो इम्यूनिटी की जो कंडीशंस हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट में उनका रोल है उनको जानेंगे, उनका मैकेनिज्म जानेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग ऑटो इम्यून डिजीजेस के बारे में जानेंगे, कॉमन ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी हैं, किस ऑर्गन की हैं, उनमें किस प्रोटीन का या सेल का डिस्ट्रक्शन होता है, उन केसेस को जानेंगे। तो मनोज कोई क्वेश्चन इसमें, टॉलरेंस में या सेल्फ टॉलरेंस में कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं है,